हेलो एवरीवन अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी और जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो मेरी वॉइस और वीडियो एकदम क्लियर है क्या अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू थोड़ा कमेंट को जूम कर दीजिए कमेंट को थोड़ा जूम कर दो मुझे बढ़िया से कमेंट दिख जाए लोग अ वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग और आज शुरू करने वाले हम लोग सफलता बैच मतलब एस एस सी जे टू टारगेटेड क्रैश कोर्स और ये क्रैश कोर्स की डिमांड इतनी ज्यादा हाई थी आप लोगों ने कहा सर कि हमारे हमने पढ़ तो लिया है और पिछली बार जैसे क्रैश कोर्स से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार भी हमें क्रैश कोर्स ही चाहिए ताकि हम लोग अपने लास्ट टाइम रिविजन को लास्ट मोमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकें पीवाई क्यूज लगा सकें क्वेश्चन सॉल्व कर सकें तो बहुत ही बढ़िया प्रणाम सबको ऑल वेरी गुड इवनिंग और आज आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है सॉयल मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मॉर्निंग में आप लोगों ने बीएमसी पढ़ा होगा दिन में आप लोगों ने नॉन टेक्निकल में रीजनिंग पढ़ा होगा और सभी हाईली वेटेड सब्जेक्ट से आपका स्टार्ट किया गया है सारे हाईली वेटेड सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है और एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके ये भी बता दो कैसा है आप लोगों का जोश और इस क्रैश कोर्स से कितने ज्यादा खुश लग रहे हो आप लोग और कैसी एनर्जी है आप लोगों के अंदर जल्दी से जल्दी से एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बता देंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं पिछले लास्ट ईयर हमारे बैचेस में थे आई थिंक कुछ बच्चे यहां पर भी वो भी होंगे तो उनसे मिलकर मुझे आज बहुत बढ़िया लग रहा है तो जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बता देंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को और कितना जोश है इस क्रैश कोर्स को लेकर बहुत ही बढ़िया एक बार हार्ट का सिंबल बना दीजिए फटाफट ताकि बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया देखो यही जोश आपको लास्ट तक रखना है यही जोश आपको लास्ट तक रखना है और मैकेनिक्स ये नौ दिन आज पूरा शेड्यूल बताऊंगा मैं सॉयल मैकेनिक्स का किस तरीके से पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से रहेगा सारी चीजें आज पहले क्लास के अंदर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो घंटे प्योर कंटेंट चलेगा सॉइल मैकेनिक्स का कोई बातचीत नहीं कोई बातचीत नहीं और किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट जैसा कि आप मुझे जानते हो कि मैं हमेशा सिर्फ प्योर कंटेंट देने के लिए जाना जाता हूं बातचीत के लिए नहीं लेकिन फर्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत आपको एक गाइडलाइन एक आपको एक रोड मैप जरूर दे दूंगा मैं अभी कि रोड मैप किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सॉइल के अंदर तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर वन मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन टू सॉइल का परिचय वहां से आज पहला लेक्चर है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ठीक है आप सब लोग मुझे जानते हो मैं हूं यशवंत राज पवार ठीक है और यहां से देखो आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज सर हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सॉयल मैकेनिक्स की कुछ बातचीत हम यहां पर करेंगे कुछ बातचीत सर इंट्रोडक्शन और सोयल मैकेनिक्स ही करेंगे और उसके साथ साथ उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे पूछे है, जाते हैं चाहे आपके हो, चाहे हो, ठीक है? उसके बाद सर हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हुआ जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से हाईली वेटेड चैप्टर रहते हैं तो यहीं से आप लोगों की स्टार्ट हमेशा करी जाती है और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बस आपको एक बार एक बार अपने एकदम सीरियस वे में देखो पांच जो कहते हैं जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा तो फेवरेट गाना भी यही है रेत ही रेत ही दिल में मेरे है ना तो गाना फेवरेट मेरा यही है और सॉयल मैकेनिक्स आप लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा ये नौ दिन आप लोगों को बस सिंसियरली मेरे साथ रहना है ठीक है बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ाएंगे डोंट वरी अब यहां देखो लेक्चर प्लानर पूरी पहले दिन ही बता रहा हूं बहुत स्पेसिफिकली ताकि बार बार आपको पूछने की जरूरत ना पड़े सर आज क्या टॉपिक है कल क्या टॉपिक है बहुत स्पेसिफिकली आप देख सकते हो सबसे पहले आज का लेक्चर लेक्चर नंबर वन और चाहो तो आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो इसी तरीके से इसी फ्लो में इसी सीक्वेंस में यह पूरा क्रैश कोर्स जो सॉइल मैकेनिक्स का नौ से दस दिन चलने वाला है वो आपका इसी तरीके से चलेगा इंट्रोडक्शन एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करेंगे क्योंकि इंडेक्स प्रॉपर्टी थोड़ा बड़ा चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो उसको सेकंड डे भी हम लोग कवर करने वाले हैं तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टू के अंदर हम लोग कवर करेंगे सिमिलरली लेक्चर में सर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्शन और कैपिलैरिटी ये तीन चैप्टर्स की हम लोग बातचीत करने वाले हैं और उसके बाद स्ट्रेसेस इन सॉइल और परमिबिलिटी ये हम लेक्चर फोर के अंदर बातचीत करेंगे ठीक है पीडीएफ कहां मिलेगा किस तरीके से आपको मिलेगा क्लास कब से कब चलेगी सारी बातें बताऊंगा पहले एक बार सिमिलरली कंटेंट की तरफ बात कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है सर फैक्ट लेक्चर नंबर फाइव जो आपका रहेगा वो रहेगा सीपेज एनालिसिस के बारे में और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल के बारे में ठीक है लेक्चर नंबर सिक्स डेशन ऑफ सॉइल आप सबको पता है कि कंसोलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर है सॉइल तो इसके लिए पूरा एक दिन डेडिकेटेड पूरी एक क्लास डेडिकेटेड सिर्फ हम कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं ठीक है ये वाला हमें ध्यान रखना है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अर्थ प्रेशर थ्योरी ये भी आपके कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बातचीत करेंगे जब लास्ट सेशन होगा तब तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ओवरऑल आपका पूरा क्रैश कोर्स ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ नौ दिन की बात है नौ दिन सॉइल मैकेनिक्स

कंप्लीट सॉयल मैकेनिक्स को कवरअप करने वाले हैं अब सर देखो ध्यान से पीडीएफ कहां मिलेगा मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को और क्लासेस कैसे कैसे चलने वाली है एक अप्रैल से लेकर नौ अप्रैल तक आप लोगों का चलेगा सर सॉइल मैकेनिक्स इस बात को आप लोग ध्यान रख लेना है अपने कैलेंडर में फोन में एक बार आप लोग इसको पुट कर दो जहां भी नोट बनाते हो शाम को छह बजे चलेगी सर छह से आठ पी एम दो घंटे हम लोग इस क्लास को लेंगे और दो घंटे पूरा एनर्जी के साथ सॉइल मैकेनिक्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे उसके बाद सर अब एक बात ध्यान रखो एट द रेट एट द रेट यशवंत सर ठीक है ये मेरा ऑफिशियल टेल, टेलीग्राम चैनल है ये ध्यान रखना पीडब्ल्यू कैपिटल लिखना है आपको वाई कैपिटल लिखना है और एस कैपिटल लिखना है ठीक है दिस इज द टेलीग्राम चैनल और इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को यहां की पीडीएफ हर सेशन की पीडीएफ यहीं पर आपको मिल जाएगी एट द रेट पीडब्ल्यू यशवंत सर पे और साथ ही साथ पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन जो है जो ऑफिशियल पीडब्लू एप है यहां पर भी आपको नोट मिल जाएंगे ठीक है तो नोट कहां मिलेंगे यह बता दिया मैंने कंटेंट कैसे क्या चलने वाला है यह भी बातचीत हो गई है तो सारी बातें क्लास दो घंटे चलेगी बढ़िया शानदार फुल एनर्जी के साथ और एक से

ये बेटा लास्ट दिन बात करेंगे ठीक है अभी इसकी इस शायरी की बात नहीं अभी आज एक मोटिवेशनल शायरी बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे देखो यहां पर एक पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए एक यूनिटी एक एप्लीकेशन है जहां पे इंटरेक्टिव पोल लाइव क्लासेस डैशबोर्ड ये सब आता है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं यूनिटी डॉट पीडब्ल्यू डॉट लाइव पर ठीक है यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं चलो ठीक है सर सा, सारी बातें हो गई जो फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताना था अब बात करते हैं प्योर कंटेंट की प्योर सॉइल मैकेनिक्स की तो क्या आप सब लोग तैयार हो एक बार जल्दी से हार्ट का सिंबल बना के बता दो कि हाँ सर सॉइल मैकेनिक्स में जोश भरने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे सारे बच्चे ये तो सारी बातें हो चुकी हैं सारी बातें क्या क्या बताना था आपको सब बता दिया कैसे चलेगा अब बात करेंगे प्योर मैकेनिक्स कंटेंट की और उससे पहले एक मोटिवेशनल एक मोटिवेशनल ठीक है हर शाम को हर दिन जब भी मैं आपकी क्लास लेना आता हूं एक मोटिवेशन जरूर लेके आता हूं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर लेके आता हूं और वो बात आपको ध्यान रखनी है कि वो पथ पत क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो ठीक है एसएससी मुश्किल है ऐसा लाखों बच्चे बैठे हैं हमें पता है पढ़ना मुश्किल है पता है डिसिप्लिन में रहना मुश्किल है पता है लेकिन अगर रास्तों में मुश्किलें नहीं होंगी तो आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाओगे वो सफलता आपके एकदम फीकी लगेगी जिस जो सफलता आपको बहुत आसानी से मिल गई है तो ये बात आज आपको ध्यान रखनी है और इसी मोटिवेशन शुरू करेंगे कि वो पथ पत क्या पथिक कुशलता क्या जित पद पर बिक्रय शूल ना हो और राह नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो जब सब कुछ आपके अगेंस्ट है और उस समय अगर आप सब कुछ आपके अगेंस्ट है उस समय अगर आप उठ के खड़े हो जाते हो और सफलता पा जाते हो तो आप एक कीर्तिमान रच दोगे इतिहास रच दोगे और वो इतिहास आज आप रखने जा रहे हो आज से ही सॉइल क्रैश कोर्स के अंदर आप लोग अगर लास्ट तक ज्वाइन हो जाओगे लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक थ्री ऑल इंडिया रैंक सिक्सटीन और न जाने कितने बच्चे यहां से सेलेक्ट हुए हैं इसी क्रैश कोर्स का फायदा उठा के अब आपका मौका है अभी आपका टाइम है ठीक है आपका टाइम आ चुका है शुरू करते हैं आज की क्लास इंट्रोडक्शन टू केनिक्स पूरी तरह से जोश भर देने के बाद शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉइल के बारे में देखो सर सॉइल करेंगे तो कुछ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से अब आपका पूरा ध्यान यहीं पर बोर्ड पर हो जाना चाहिए पूरा ध्यान यहीं पर लगा दो बोर्ड के ऊपर और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से सॉयल मैकेनिक्स इन भाई साहब को आप जानते होंगे इनका नाम है डॉक्टर कार्ल कार्लोन तरजागी और डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी जो है ही इज द फादर ऑफ सॉयल मैकेनिक सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि हु इज द फादर ऑफ सॉयल मैकेनिक्स तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर हु इज द फादर ऑफ सॉयल मैकेनिक्स ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एंड दैट इज डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी तो डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी इज द फादर ऑफ सॉयल मैकेनिक्स ठीक है और डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी ने ही डॉक्टर ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल और इसी के को से, इनको भी बोला जाता है और आप को पता है कि कितना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसोलिडेशन से हम लोग सेटलमेंट के बारे में बातचीत करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करते हैं कंसोलिडेशन से हम बहुत सारी प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकते हैं ठीक है आगे जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे पूरे एक दिन वहां में और डिटेल में बताऊंगा

देखो मैकेनिक्स आप सबको पता है कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस मतलब जब किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं तो उन फोर्सेस का एप्लीकेशन उन फोर्सेस की वजह से बॉडी का बिहेवियर ये सारी बातें हम मैकेनिक्स के अंदर जनरली पढ़ते हैं कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में हम मैकेनिक्स के अंदर जनरली पढ़ते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या है डॉक्टर वॉन तरजागी ने एक स्टेटमेंट दिया था वहां से आपको बहुत बढ़िया तरीके समझ में आएगा कि डॉक्टर वॉन तरजागी ने बोला कि सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली जो होता है वो बेसिकली आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स तो हाइड्रोलिक्स के लॉज भी और मैकेनिक्स के लॉज भी दोनों लॉज को जब आप सॉइल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हो किस तरह के सॉइल पार्टिकल अनकंसोलिडेटेड सॉइल पार्टिकल जो पार्टिकल कंसोलिडेट नहीं हुए हैं तो साइंस तो कहलाती, है, कहलाती है उसी को हम लोग बोलते हैं तो सॉइल आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ देखो साथ, साथ आप नोट्स भी बना सकते हो मेरे साथ यहां पर फॉर्म तो में लिख सकते हो तो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड एंड लॉज ऑफ हाइड्रॉलिक्स देखो एफ एम के अंदर पढ़ते हो आप लोग काफी सारी चीजें ठीक है तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स टू द टू द अनकंसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स टू द अनकंसॉलिडेटेड अनकंसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स अनकंसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स ऑफ सॉइल और ये डेफिनेशन है किसकी ये डेफिनेशन डेफिनेशन है तरजागी ने दिया था मैकेनिक्स की को कि जहां पर आप लॉज ऑफ मैकेनिक्स लगाते हो लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स लगाते हो ऑन द अनकंसोलिडेटेड सेट सेडिमेंट्स अनकंसोलिडेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब पार्टिकल्स आपके पास इंडिविजुअल हैं कंसोलिडेट होंगे तो पार्टिकल काफी पास पास आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल क्लियर तो सर यहां पर यह बात हो गई इसके बाद सर नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा जाता है कि जो सॉइल टर्म है वो जो सॉइल टर्म हमारे पास होती है वो कहां से आई कैसे बनती है तो सॉइल इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड तो एक लेटिन भाषा में एक लेटिन भाषा में शब्द है जिस शब्द को हम बोलते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या बोलते हैं इस शब्द को हम लोग बोलते हैं सर सोलियम क्या बोलते हैं सर इसको इस शब्द को हम बोलते हैं सोलियम तो लेटिन भाषा का ही एक शब्द है सोलियम बना है ठीक है तो यहां से ही हमने क्या किया यहां से हमने सोइल वर्ड को डिराइव किया है ठीक है यही से हमने सॉइल वर्ड को डिराइव किया है आगे समझोगे सर सोलियम का मतलब क्या होता है सोलियम का मतलब होता है इट इज बेसिकली द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्या बोलते हैं इसको अपर ले अर्थ तो अर्थ की ऊपरी है उसी को सोलियम बोला जाता है लेटिन भाषा के अंदर और उसी से हमने क्या निकाला क्वेश्चन निकाला। भी एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया तो लेटिन वर्ड का होता है, सोलियम अपर ले अर्थ अब यहां से आपको एक छोटी सी चीज समझनी है छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हम लोग अपर लेयर मतलब ऊपरी सतह की बात करते हैं तो सर ऊपरी सतह के अंदर आपके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर्स दोनों हो सकते हैं अब ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा होती है वो जनरली हमारे पास ज्यादा होती है ऊपरी लेयर के ऊपर इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि सर जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जब भी हम लोग कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पर सरफेस के ऊपर से जो ऊपरी परत है जो अपर लेयर है जनरली उसको रिमूव कर देते हैं क्यों क्योंकि सर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है अब ऑर्गेनिक मैटर सर ज्यादा होने से

ठीक है इस पॉइंट को भी हम लोग सर यहां पे लिखेंगे बढ़िया तरीके से कि अपर लेयर अपर लेयर अपर लेयर जनरली कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है सर अपर लेयर जनरली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स ऑर्गेनिक मैटर एंड देयर फोर एंड देयर फोर और इस वजह से एंड देयर फोर इट इज रिमूव्ड इसी वजह से इसको हटाया जाता है इट इज रिमूव्ड बिफोर कंस्ट्रक्शन एंड देयर फोर इट इज रिमूव्ड बिफोर बिफोर कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसको क्या किया जाता है सर हटाया जाता है बिल्कुल क्लियर बात हो गई एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सॉइल अब देखो जो बच्चा बता रहा है सर मक मक के बारे में बता रहा है तो ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में अभी मैं बात करूंगा आगे चल के ठीक है ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में बात करेंगे इंजीनियर सरकार बता रहे हैं बिल्कुल यस सर समझ में आ रहा है पीठ मक और ह्यूमस जो है वो अभी बात बताएंगे जब ऑर्गेनिक सॉइल में आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से वहां पे मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगा बढ़िया शानदार ठीक है तो अभी तक ये बात ये समझनी है सर कि जो अपर लेयर ऑफ अर्थ होती है उसको लेटिन भाषा में सोलियम बोलते हैं इसी सोलियम से हमने सॉइल वर्ड को बनाया सॉइल जो आपके पास ऊपरी परत जो होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है

सर so नेक्स्ट हमारे पास है कि मिट्टी की उत्पत्ति किस तरीके से होगी दैट इज ओरिजिन ऑफ सॉइल ठीक है अब ओरिजिन ऑफ सॉइल की जब हम बात करते हैं तब एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा और

छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने की वजह से ही आपके पास सॉइल बनता है ठीक है डिस इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स उससे आपके पास सॉइल प्रोड्यूस होता है ठीक है तो ये एक साइकिल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर पेडोजेनेसिस साइकिल बोलते हैं है और उसको आप जियोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हो तो एक बात आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान रखनी है सर कि एक साइकिल है जिसका नाम है पेडोजेनेसिस पेडोजेनेसिस साइकिल ठीक है पेडो मतलब पेडो मतलब अर्थ होता है आपके पास

आप लोग जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हो ठीक है एक सब्जेक्ट होता है बचपन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोलॉजी के बारे में एक सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी जियोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आप लोग क्या पढ़ते थे कि अर्थ के अर्थ का आपके पास फॉर्मेशन कैसे हुआ अर्थ का शेप किस तरह से है अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में जो अलग अलग आपके पास चीजें होती हैं अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस आप जियोलॉजी में पढ़ते थे ठीक है तो इसी तरीके से मिट्टी जो होती है उसका जो कंप्लीट उत्पत्ति है उसका जो साइकिल आपके पास होगा दैट इज बेसिकली नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया देखो वन लाइनर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं अब यहां से समझेंगे सर कि जियोलॉजिकल साइकिल होती क्या है देखो यहां पर सबसे पहली बात जियोलॉजिकल साइकिल में देखो कि कोई भी अगर आपके पास पहाड़ होगा बड़ा सा रॉक होगा उस रॉक का इरोजन होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहला पार्ट है सर इरोजन इरोजन होना स्टार्ट होगा इरोजन वेदरिंग से या डिसइंटीग्रेशन से ठीक है वेदरिंग का मतलब अपक्षय होता है क्या Weathering का मतलब अपक्ष है। का मतलब भी यही है कि छोटे छोटे तो बड़े से के अंदर, अगर होती है, और वो छोटी छोटी पार्ट के अंदर अगर टूट जाता है तो वो प्रोसेस हमारा इरोजन कहलाता है अब यहां से जब पार्टिकल इरोड हो जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे उसके बाद आगे साइकिल के अंदर नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन अब वो वो तो पार्टिकल उस जगह से उठ के किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे मतलब सॉइल के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे तो सर ट्रांसपोर्ट करेंगे कैसे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के द्वारा परिवहन कारक के द्वारा और वो परिवहन कारक कौन-कौन से हो सकते हैं सर पानी हो सकता है हवा हो सकती है ठीक है ग्लेशियल्स हो सकते हैं ग्रेविटी हो सकती है तो ये सारे आपके पास परिवहन कारक होते हैं मतलब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं ठीक है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं तो यह वाली बात आपको ध्यान रखनी तो पहला पार्ट है सर इरोजन दूसरा है सर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपके पास डिपोजिशन देखो डिपोजिशन क्या होता है डिपोजिशन जैसे बैंक में पैसे जाके डिपॉजिट करते हो तो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है एक जगह इकट्ठा कर लेना उसको ठीक है एक जगह इकट्ठा कर लेना मतलब उठा के वहां रख देना तो डिपोजिशन मतलब होता है डिपॉजिट कर देना एक जगह पर तो दैट इज नोन एज डिपोजिशन और उसके बाद अपहीवल देखो ये वर्ड आपको समझ जाना है अपहीवल का मतलब होता है टीला बन जाना जैसे देखो ध्यान समझना इस चीज को इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रॉक है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रॉक है अब ये जो रॉक है ये वेदरिंग एक्शन के द्वारा या इरोजन के द्वारा इरोजन के, के द्वारा ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है ठीक है तो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट स्टेप ऑफ इरोजन ये आपका इरोजन हो गया ये आपने सुना भी होगा बड़ा भी होगा बचपन में देखा भी होगा सारी चीजें आपको पहले से थोड़ी बहुत पता भी होंगी तो सर यहां से क्या होगा फिर कोई भी परिवहन कारक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वो यहां से उठ के क्या करेगा इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाएगा तो जब ये पार्टिकल सारे यहां पर आ गए तो सर ये वाला प्रोसेस हमारे पास हो गया ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद सर क्या होगा यहां से आपके पास ये एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाएंगे ये किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये आपके पास कहलाएगा डिपोजिशन जब एक जगह पर डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो वहां पर डिपॉजिट होते 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 इकट्ठा हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा तो सर यहां पर आपके पास एक छोटा सा टीला बन जाएगा इस तरह से पार्टिकल्स का इसी को हम बोलते हैं अपहीवल इसी को बोलते हैं अपहीवल तो ये प्रोसेस ये प्रोसेस आपको कंप्लीटली देखने को मिलता है एंड दिस पर्टिकुलर साइकिल इज बेसिकली नोन एज योर पेडोजेनेसिस साइकिल इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस साइकिल अरे बताओ जल्दी से क्लियर है क्या जल्दी से हार्ट का सिंबल बना के बताओ सर क्लियर है क्या बात देखो जब भी कुछ कॉन्सेप्ट में मजा आने लग जाए जब भी कोई चीज समझ में आने लग जाए फटाक से हार्ट का सिंबल जरूर बना देना मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है

सबसे पहली बात आ गई वेदरिंग की वेदरिंग हुआ इरोजन हुआ हुआ ये सारी बातें आपके पास होती हैं तो दो तरीके से वेदरिंग आपको देखने को मिल सकती है एक एक आपक... एक आपके 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 पास पास होती होती है है फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग ठीक है तो अपक्षय जो आपके पास है वो दो तरीके से आपको देखा जा सकता है तो रॉक के फिजिकल वेदरिंग के थ्रू भी रॉक के फिजिकल वेदरिंग के थ्रू भी मतलब फिजिकल वेदरिंग मतलब सर भौतिक अपक्षय ठीक मतलब है फिजिकल वेदरिंग मतलब भौतिक अपक्षय तो ये आपके पास होता है इससे भी रॉक बनती है और दूसरा सर हमारे पास केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स केमिकल केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक तो ये आपने सुना होगा सर कि रॉक की वेदरिंग से ही हमें सॉइल प्रोड्यूस होती है ठीक है तो केमिकल वेदरिंग मतलब रसायन रसायनिक अपक्षय रसायनिक अपक्षय ठीक है थेके? तो ये आपके पास केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक आपको देखने को मिलती है तो सर फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग दोनों में अंतर क्या है देखो फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है ठीक है फिजिकल वेदरिंग किस चीज की वजह से प्रोड्यूस होती है ये भी आपको समझना आना चाहिए कि सर फिजिकल वेदरिंग आपके पास कि ग्रोथ ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कह दो या फिर स्प्रेड कह दो स्प्रेड ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स स्प्रेड ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स इसकी वजह से हो जाएगा सर ठीक है एक सर आपके पास वेजिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से सब समझाउंगा यहां पर डोंट वरी चिंता की कोई बात नहीं है वजह से ठीक है सर सिमिलरली हमारे पास टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज तापमान में परिवर्तन की वजह से और फोर्थ आपके पास बिकॉज ऑफ द एब्रेशन ठीक है सरफेस टू सरफेस जो एब्रेशन होता है उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है तो सर फिजिकल वेदरिंग हमारे पास इन चार कारणों की वजह से होती है इन चारों कारणों को मैं डब्बों में बंद कर देता हूं ताकि ये डब्बा याद करना आपके लिए आसान हो जाए ठीक है ये डब्बा सब पूरा सॉयल होगा ना सर आर्यन गुप्ता बेटा मैं कुछ आधा करवाता ही नहीं हूं आदत बचपन से ऐसी पड़ रखी है कि हर चीज पूरा करेंगे इसीलिए एस एस सी जेई भी मैंने तीन बार निकाल दिया एक बार मेरा मन भरा नहीं तो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार कर दिया तो सॉयल मैकेनिक्स तो आपको बिल्कुल 110 पूरी ही करवाई जाएगी ठीक है तो यहां बस पढ़ने में ध्यान दो यहां पर देखो यहां पर फिजिकल वेजिंग जो हमारे पास होती है वो आपके पास ग्रोथ या स्प्रेड ऑफ रूट ऑफ प्लांट्स मतलब आप यहां समझो कि सर पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक रॉक है अब इस रॉक के अंदर होगा क्या इस रॉक के अंदर होगा क्या कि अगर यहां पर आपके पास रॉक के अंदर रूट्स जो हैं अब रूट्स तो अपना जगह ढूंढ ही लेती है तो अगर रूट्स आपके पास यहां से पास ऑन कर रही है किसी पर्टिकुलर रॉक के अंदर तो वो एक प्लेन बनाएगी और एक प्लेन जो आपके पास होगा ठीक है एक वीक प्लेन यहां पे क्रिएट हो जाएगा और इस वीक प्लेन के अबाउट होगा क्या वीक प्लेन के अबाउट आपके पास जो रॉक है वो पर्टिकुलर वहां से टूट जाएगी तो ये वाली बात होती है तो यहां से इसको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्सेस की वजह से आपके पास किसी रॉक का टूट जाना तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ रूट ऑफ द प्लांट्स पहली बात तो ये हो गई सर दूसरा सर हमारे पास वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस अब वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस के बारे में समझो यहां पे जैसे देखो यहां पर ये यह फिगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां एक रॉक है इस रॉक के बीच में जो पानी भरा है यहां पर तो टेम्परेचर जब डाउन हुआ तब तो ये पानी की जगह आइस बन गया ठीक है पानी जम के आइस बन गया बर्फ बन गया सर अब बर्फ जो हमारे पास बना है इस बर्फ में क्या हुआ सर यहां पर ये क्या करेगा टेम्परेचर चेंजेस की वजह से यहां पर सर आपके पास फोर्सेस लगाएगा चारों डायरेक्शन के अंदर ये फोर्सेस लगाएगा तो जब एक प्लेन आपके पास यहां बना है वीक प्लेन यहां बना है तो ये चारों डायरेक्शन जब फोर्सेस हमारे पास लगेंगे तो वहां से आपके पास रॉक क्या होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से टूट जाएगा तो ये क्या हो रहा है सर ये हमारे पास वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस है और जिससे आपको फिजिकल वेदरिंग देखने को मिल रही है ठीक है सिमिलरली मैंने जो आपको बताया था कि सर एक वीक प्लेन आपका क्रिएट हो जाता है और इसी वीक प्लेन

सिमिलरली सर अब अगर मैं बात करूं जैसे ही देखो यहां पर अब यहां पर आप देखोगे यहां पर आप देखोगे तो हुआ क्या है ये आपके पास एब्रेशन का फिनोमिना है अब होता क्या है सर यहां पर कि ये पर्टिकुलर रॉक थी और यहां होगा क्या कि हवा चल रही होगी इस तरीके से तो हवा जब चलेगी तो हवा जो अब रॉक से टकराएगी तो यहां पर आप समझ सकते हो कि एब्रेशन से इसके पार्टिकल्स को लेके जा जा रही है यहां 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 से से तो एब्रेशन जब पार्टिकल्स को को लेके जा रही है तब इसने इसने क्या कर दिया यहां इसने इस पर्टिकुलर रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल वेदरिंग जो आपको देखने को मिलती है ठीक है सेकेंड आपके पास सर केमिकल वेदरिंग की जब बात करते हैं लेकिन उससे पहले हमें कुछ पॉइंट समझने हैं फिजिकल वेदरिंग से कि फिजिकल वेदरिंग से होता क्या है पहला पॉइंट मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं सर एक बार मुझे बताएंगे कि बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो आपके पास रॉक या जो आपके पास सॉइल प्रोड्यूस होगी क्या उसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज होगा या सेम रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताओगे मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन सेम रहेगा या चेंज होगा जल्दी से बताइए बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग चेंज होगा या सेम रहेगा भूवी बताएं सर नॉट चेंज नॉट चेंज नॉट चेंज नॉट चेंज बिल्कुल बिल्कुल पूनम साहब बिल्कुल मिल जाएंगे डोंट वरी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपका नोट है ना सेम रहेगा बिल्कुल बहुत बढ़िया तो ये एक दो पॉइंट देखो यहां से आपको बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से मैनेज करने हैं कि सर अगर मैं बात करता हूं फिजिकल वेदरिंग की तो फिजिकल वेदरिंग के केस में फिजिकल वेदरिंग क्यों होती है ये मैंने बता दिया आपको फिजिकल वेदरिंग के केस में जो मिनरोलॉजिकल और ये क्वेश्चन तीन बार आ चुका है ठीक है मिनरोलॉजिकल अलग अलग स्टेट जेई के अंदर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल नॉट चेंज वो बदलता नहीं है वो सेम ही रहता है ठीक है बिल्कुल चेंज होता नहीं है वह सेम ही रहता है तो सर सेम रहता है दूसरी बात जो सॉइल आपके पास फिजिकल वेदरिंग से प्रोड्यूस हुई है वो सॉइल जनरली होती है कोर्स ग्रेन सॉइल कैसी होती है सॉइल विल बी कोर्स ग्रेन सॉइल तो सॉइल प्रोड्यूस्ड वो मिट्टी जो प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से बाय फिजिकल वेदरिंग द सॉइल दैट इज प्रोड्यूस बाय फिजिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग इज कोर्स ग्रेन सॉइल कैसी सॉइल होती है सर और यह आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है इस बेसिकली कोर्स ग्रेन सॉइल तो इस वाले पॉइंट को भी आपको याद रखना है सर तो कोर्स ग्रेन सॉइल प्रोड्यूस होती है बिल्कुल क्लियर है इसके बाद देखो सर कि मिनरलॉजिकल कंपोजिशन चेंज होगा नहीं कोर्स ग्रेन सॉइल यहां प्रोड्यूस होगी और जो शेप पार्टिकल का बनता है मतलब जब फिजिकल वेदरिंग होती है तो जो पार्टिकल शेप हमारे पास बनता है वो पार्टिकल शेप जो है वो राउंडेड हो सकता है सब राउंडेड हो सकता है एंगुलर हो सकता है सब एंगुलर हो सकता है ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो शेप ऑफ द पार्टिकल बनता है कैन बी राउंडेड दूसरी बात सर सब राउंडेड सेकेंड थिंग इट इज सब राउंडेड तो राउंडेड सब राउंडेड थर्ड इज एंगुलर मतलब एंगल हो सकते हैं वहां पर और चौथा सर आपके पास सब एंगुलर ठीक है तो ये हर तरीके का शेप आपके पास यहां पर पॉसिबल होता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो फिजिकल वेदरिंग में यही पॉइंट है जो रिपीटेडली आप लोगों से बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो इसका हमें ध्यान रखना है सर ठीक है सर यहां तक की बात समझ में आ गई फिजिकल वेदरिंग के बारे में बातें समझ में आ गई अब बात करते हैं सर केमिकल वेदरिंग की ठीक है अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की देखो सर यहां पर कि जब आप बात करोगे केमिकल वेदरिंग की मतलब रासायनिक अपक्षय के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सर हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात एकदम क्लियर है कि यहां कुछ ना कुछ तो केमिकल लफड़ा है यहां कुछ ना कुछ तो दया कुछ ना कुछ तो केमिकल लफड़ा यहां पर जरूर है मतलब कोई ना कोई केमिकल कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा होगा तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हमारे पास इसके अंदर होते हैं सर एक प्रोसेस आपके पास होता है हाइड्रेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हाइड्रेशन एक सर प्रोसेस होता है केमिकल वेदरिंग का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सर एक प्रोसेस आपके पास होता है रिडक्शन का प्रोसेस एक प्रोसेस सर आपके पास होता है कार्बोनेशन का प्रोसेस एक प्रोसेस सर आपके पास होता है हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस और एक प्रोसेस सर आपके पास होता है लीचिंग का प्रोसेस तो ये सारे प्रोसेस हमारे पास होते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपके पास केमिकल वेदरिंग देखने को मिल सकती है तो देखो जिन बच्चों की लिखने की स्पीड तेज है वो तो मेरे साथ साथ लिख के बना लो नोट्स है ना और जिन बच्चों की लिखने की स्पीड इतनी तेज नहीं है तो बस अभी समझो ध्यान रखो चीजों को समझो और जब क्लास नोट्स मिल जाए तब उसके पीडीएफ से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से एक एक करके सब पॉइंट्स को समझते हैं यहां पर सबसे पहले देखो सर केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन की वजह से देखो हाइड्रेशन आपने बीएमसी के अंदर ही पढ़ा होगा सीमेंट के अंदर हाइड्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है रिएक्शन विद तो यहां कौन रिएक्ट करेगा सर Soil के अंदर रिएक्ट करेगा आपके पास Soil के अंदर प्रेजेंट रॉक मिनरल्स तो जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो आप बेसिकली इन सबके साथ यहां पर रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहली बात आपको यहां समझनी है देखो कलर चेंज करके बढ़िया से लिख देता हूं मैं आपके पास कि जो रॉक मिनरल्स आपके पास है उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है सर उसके साथ सर पानी रिएक्ट कर रहा है तो वेन वॉटर रिएक्ट विद रॉक मिनरल और वहां पर उस रॉक की केमिकल कंपोजिशन को अगर बदल दे तो वहां से आपके पास केमिकल वेदरिंग देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर तो सबसे पहली बात तो यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन हमारे पास क्लियर हो गया सर दूसरा सर ऑक्सीडेशन सर बचपन में पढ़ा था दसवीं कक्षा के अंदर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन तो जब ऑक्सीजन आपके पास होगी जब ऑक्सीजन आपके पास होगी एनवायरमेंट में होगी या फिर सर ये बैच यूट्यूब पर चलेगा बेटा यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हो मोहम्मद रियाज यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हो बैच और कहां पढ़ रहे हो है ना ठीक है और ये सारी बातें मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दी हैं तो आप वीडियो को पीछे करो और वहां से एक बार सारी बातें सुन लो सब आंसर मैंने वहीं पर कर दिए कब चलेगी कहां नोट्स मिलेंगे सारी बातें ठीक है ऑक्सीडेशन देखो सर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है जब रॉक मिनरल्स आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और रॉक के केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो वो आपके पास रिएक्शन कहलाती है सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो यहां पर हमें ध्यान रखना है सर वेन रॉक मिनरल्स रिएक्ट विद द ओटू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई सर सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पर सर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास सॉइल की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए सॉइल की केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज हो जाए तब वो हमारे पास कहलाता है रिडक्शन वो हमारे पास कहलाता है रिडक्शन सिमिलरली सर कार्बोनेशन जब हमारे पास रॉक मिनरल जो प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर उस वगैरह पे वहां पे अगर वो जो रॉक मिनरल हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है कार्बोनेशन दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनेशन ये वाली बात भी समझ में आ गई सर बिल्कुल हाइड्रोलाइसिस देखो हाइड्रोलाइसिस का बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस का बेसिकली मतलब है कि जब आपके पास जो पानी है पानी का मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट होके H प्लस और OH एच माइनस में कन्वर्ट हो गया H प्लस और OH एच माइनस में कन्वर्ट हो गया और अब ये फर्दर जाके रॉक मिनरल्स जो है उससे रिएक्ट कर रहा है और वहां पर आपके पास रॉक के कंपोजिशन को अगर चेंज कर रहा है तब ये प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये कहलाता है सर ठीक है सर लास्ट प्रोसेस है लीचिंग देखो लीचिंग जो है आपने इरिगेशन में पढ़ोगे हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो एनवायरमेंट के केस में पढ़ते हो तो यहां पर भी एक बार समझ लो कि लीचिंग का मतलब होता है वॉशिंग आउट ऑफ द सोल्ट सोल्ट का वॉश आउट हो जाना वो आपका कहलाता है लीचिंग तो सर यहां कैसे होगा देखो क्या होता है समझना इस चीज को सर वॉशिंग आउट ऑफ सोल्ट वॉशिंग आउट ऑफ सोल्ट ठीक है सोल्ट का वॉश आउट हो जाना ये हमारे पास लीचिंग कहलाता है समझना यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से सर ये मान लो हमारे पास सॉइल है ठीक है अब इस सॉइल के अंदर इस सॉइल के अंदर ये अलग अलग आपके पास क्या होंगे हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट हो सॉइल है एक रॉक है और वो रॉक आपके पास अलग अलग तरीके के पार्टिकल से बना हो सकता है तो हो सकता है सर अलग अलग तरीके के हमारे पास मिनरल होंगे मैंने मान लिया सर ये एल्यूमिनियम का है मान लिया ये मैग्नीशियम है सर मान लिया यहां पर कैल्शियम है मान लिया सर यहां पर यह सिलिका है ठीक है अलग अलग तरीके के आपके पास मिनरल्स है Yup. अब आपने क्या किया सर अब आपने यहां पर अब आपने यहां पर पानी यहां पर एक फ्लो से या पानी यहां बहाया तो सर ये वॉटर जब आपने यहां पर फ्लो करवाया जब आपने यहां से वॉटर फ्लो करवाया थ्रू द बॉडी तो इसने क्या किया सर जब पानी यहां से बाहर निकला तो इसने क्या किया सर इसने यहां से कुछ सोल्ट के जो एलिमेंट हैं वो अपने साथ ले गया तो सर कुछ सोल्ट के एलिमेंट साथ ले गया दिस इज द प्रोसेस ये तो पूरा पानी पानी हो गया देखो दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज द लीचिंग आउट ऑफ द लीचिंग ऑफ द सोल्ट तो होता क्या है? वॉशिंग आउट ऑफ द सॉल्ट जो होता है किसी पर्टिकुलर सॉइल में से उसी को हम बोलते हैं क्या उसी को बोलते हैं लीचिंग अब यहां एक चीज समझ सकते हो कि सर ये जो रॉक था इसमें से कुछ सॉल्ट ये पानी ले गया अपने साथ अब अगर कुछ सॉल्ट पानी ले गया अपने साथ इसका मतलब इसके केमिकल कंपोजिशन को क्या किया सर केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दिया जब केमिकल कंपोजिशन को यहां पर इसने चेंज किया तो ये वेदरिंग क्या कहलाएगी सर ये वेदरिंग कहलाएगी केमिकल वेदरिंग तो एक बात इन सारी बातों से हमें क्लियर हो गई है सर कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं एक बात जरूर लिख सकते हो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ कि केमिकल या मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन इसमें चेंज होगा या सेम रहेगा अब ये सारे प्रोसेस समझने के बाद बताओ कि मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ड्यू टू केमिकल वेदरिंग चेंज होगा या सेम होगा जल्दी से बताओ जहां तक तो जल्दी से बताओ कि मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन तो ये दो बातें हमें यहां से लिख लेनी है कि सर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन जो होता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल सॉइल का जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है वो चेंज होता है इट चेंजेस ये यहां पर चेंज होगा फिजिकल वेदरिंग में चेंज नहीं हो रहा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था सेकेंड देखो सर सेकेंड यहां पर जो सॉइल प्रोड्यूस होंगी केमिकल वेदरिंग की वजह से जो सॉइल प्रोड्यूस होती है सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल वेदरिंग तो द सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल वेदरिंग

मिनोलॉजिकल कंपोजिशन यहां पर चेंज हो जाता है केमिकल वेदरिंग के अंदर और उसके बाद सर हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल यहां पर प्रोड्यूस होती है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पांच क्वेश्चन आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्लियर कर दिया ठीक है बिल्कुल क्लियर सर यहां से कर दिया तो केमिकल वेदरिंग हो गई फिजिकल वेदरिंग हो गई तो सर ये तो हमारे पास हो गई वेदरिंग के बारे में अब आगे बढ़ते हैं अब सर आगे बढ़ते हैं वेदरिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकेंड हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से पहले ट्रांसपोर्टेशन हाँ लेस देन टू माइक्रोन बहुत बढ़िया प्रयाग जो आपके पास फाइन पार्टिकल बनते हैं क्ले पार्टिकल बनते हैं जो लेस देन टू माइक्रोन आपके पास देखने को मिलेंगे बहुत बढ़िया अब यह समझो आगे फर्दर कि सर बेसिक टाइप ऑफ सॉइल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं ठीक है थीके? इसी में मैं ट्रांसपोर्टेशन के इफेक्ट को भी आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से सबसे पहले तो बेसिक टाइप ऑफ सॉइल में देखो दो तरह की सॉइल होती है एक सर होती है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल और एक आपके पास होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी सॉइल एक आपके पास होती है सर रेसिड्यूअल और दूसरी होती है सर ट्रांसपोर्टेड सॉइल ठीक है और ट्रांसपोर्टेड तो सर अगर मैं बात करता हूं रेसिड की तो soil, ये वो रेसिडलॉइल है, है जो आपके पास पेरेंट रॉक की जो लोकेशन है वहीं पर डिस इंटीग्रेट हो गया अगर पार्टिकल रुक जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है रेसिड्यूअल सॉइल वो हमारे पास क्या होती है रेसिड्यूअल सॉइल जो आपके पास जो आपका जो लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वहीं पर अगर आके रुक जाए तो वो आपका क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है रेसिड्यूअल सॉइल मतलब सर मतलब ये है कि सर अगर ये एक पत्थर है इस पत्थर में वेदरिंग हुई और वेदरिंग होकर पार्टिकल्स यहीं पर रुक गए इसी लोकेशन पर रुक गए तो ये हमारे पास कहलाती है दिशा में और लोकेशन पर और जगह पर लेके चले जाओगे तब ये हमारे पास कहलाती है सर ट्रांसपोर्टेड सॉइल ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सर व्हेन ये ध्यान रखो कि व्हेन लोकेशन ऑफ सॉइल वेन लोकेशन ऑफ सॉइल चेंजेस चेंजेस बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स वैन लोकेशन ऑफ सॉइल चेंजेस बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फ्रॉम द फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फ्रॉम द लोकेशन ऑफ इट्स पेरेंट रॉक देखो पेरेंट रॉक क्या होती है पेरेंट रॉक वो होती है जिससे वो सॉइल प्रोड्यूस हुई हो ठीक है उसी को हम कहते हैं ठीक है, तो यहां पे जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स के द्वारा अगर वो पार्टिकल ले जाए गए हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा ट्रांसपोर्टेड सॉयल एक बार जहां पर भी बैठे हो वहां पर चिल्ला के मुझे बता दो जोर से चिल्लाओ और बताओ कि इन दोनों में से अगर आपको इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस की मतलब अभियांत्रिकी महत्वता की मैं बात करूं तो वहां पर दोनों में से कौन सी सॉइल जो है वो ज्यादा सूटेबल होगी रेसिडुअल सॉइल या फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसकी प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी किसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है ठीक है किसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है रेसिड्यूअल सॉइल की या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल की एक बार जल्दी से सोच के बताएंगे जल्दी से यहां पर कमेंट करो अर्शद बरबड़िया ये सारी बातें बेटा बाद में करेंगे कि कौन से परसेंटेज की क्या बात होती है अभी हम यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं ना टेलीग्राम चैनल मेरा मैंने आपको बता दिया है अर्षद रेट पी डब्लू पी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल यशवंत और एस कैपिटल सर ठीक है इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो यहां पर मैं आपके सारे जो दूसरे डाउट्स हैं जितने भी फॉर्म को फिलअप करने के डाउट हैं जो भी डाउट है वो मैं सारे यहां पर आपके क्लियर कर दूंगा अभी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर फ्री में पढ़ना चाहते थे एक क्वालिटी एजुकेशन फ्री में लेना चाहते थे उनके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया गया है तो मैं नहीं चाहता उन सीरियस बच्चों का एक भी सेकंड यहां बर्बाद हो तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप पीडब्ल्यू यशवंत सर टेलीग्राम चैनल है यहां पर मुझे बता देना मैं यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ठीक है बिल्कुल सही है पूरा देखो कमेंट बॉक्स भर गया जबरदस्त तरीके से कि रेसिडुअल स्वाइस जो हमारे पास होती है उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बेटर होती है क्योंकि जब कोई भी एजेंट जब कोई भी एजेंट सॉइल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उठा के दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ रखेगा तब उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी कंप्रेसिबिलिटी उसकी आपके पास परमिबिलिटी ये सारी चीजें ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ठीक है वो सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है जनरली वो कम हो जाती है डाउन हो जाती है इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपकी रेसिडुअल सॉइल्स हैं उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज या इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होगा बेटर होता है बीजी चौधरी बोल रहा है सर आपसे पढ़ने के लिए सफिशियंट होगा क्या एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि यशवंत सर से सॉइल पढ़ना क्या एसएससी जेई के लिए सफिशियंट है ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे कि यशवंत सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना क्या एस एस के लिए सफिशियंट है बीजी चौधरी को आंसर मिल जाएगा ठीक है तो देखो बेटा यहां पर आप नोट लिख सकते हो बढ़िया तरीके से कि रेसिडुअल सॉइल्स यहां से आप लिख सकते हो कि सर रेसिडुअल सॉइल्स हैव रेसिडुअल सॉइल्स बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी रेसिड्यूअल सॉइल्स बेटर जीनियरिंग प्रॉपर्टीज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देन देन ट्रांसपोर्टेड सॉइल बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देन ट्रांसपोर्टेड सॉइल यह आपके पास पॉइंट हो जाएगा और यहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे हमें देखने को मिल जाते हैं ठीक है हाँ ठीक है बिल्कुल मिल जाते हैं सर यहां से चलो ठीक है सर अब बात करेंगे सर बिल्कुल आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा है ना आपको आंसर मिल गया होगा चलो ठीक है सर बहुत ही बढ़िया अब देखो सर यहां पर अब देखो सर यहां पर एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है तो यहां सर मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स की तो सर हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार मुझे कि सर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जो यहां पर यूज किए जा सकते हैं ठीक है यहां पर यूज किए जा सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन कौन से होंगे मतलब सॉइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने वाले ऐसे एजेंट्स कौन कौन से हैं सर पहला एजेंट आपके पास है पानी जल पानी आपके पास फर्स्ट एजेंट सेकेंड सर एयर वॉटर एयर तीसरा सर ग्लेशियल थर्ड इज द ग्लेशियल फोर्थ सर हमारे पास ग्रेविटी चौथा सर हमारे पास ग्रेविटी होता है एयर बोल दो सर विंड बोल दो है ना कुछ भी आप कह सकते हो तो ये चार आपके पास क्या है सर ये चार हाँ एर, सर, ये चार चार आपके आपके पास पास बिल्कुल वाटर एयर और ग्रेविटी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं अब इन्हीं के आधार पर इन्हीं के आधार पर बहुत अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं सॉइल को ठीक है सारे बच्चे एकदम जबरदस्त आंसर कर रहे हैं दिल खुश हो गया देखो आज मेरा जबरदस्त तरीके से इतनी बढ़िया तरीके से आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पढ़ा भी होगा बहुत सारे कहीं और से भी पढ़ा होगा खुद भी पढ़ रहे होंगे लेकिन जो आंसर आप लोग कर रहे हो मेरी तरफ से एक हार्ट का सिंबल आप सब लोगों को जबरदस्त अब यहां देखो सर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट अगर पानी है आपके पास अगर पानी आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है तो इस तरह से बनने वाली जो सॉइल हमारे पास होती है उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं एलयूवियल सॉइल्स क्या बोलते हैं सर इस तरह की सॉइल को हम लोग बोलते हैं एल्यूवीएल सॉइल जिसको आप बोलते हो सर जलोड मृदा ठीक है तो द दॉल विच इजोर्टेड विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज नोन आस, बेसिकली नोन एज एज बेसिकली योर या फिर आप इसको कह सकते हो जलोड मृदा ठीक है सिमिलरली सर ये तो आपके पास रनिंग वाटर हो गया अगर मैं कहता हूं कि लेक्स के द्वारा ठीक है इसी में यहीं पर मैं पॉइंट लिख देता हूं इसी में कंटिन्यूएशन में कि जो सॉइल जो सॉइल आपके पास है सॉइल सॉइल डिपॉजिटेड बाय लेक्स अगर मैं लेक्स की बात करूं तो सोइल डिपॉजिटेड बाय लेक्स जो होता है सर इस तरह की सोइल को आप बोलते हो लेकेस्ट्राइन सोइल क्या बोलते हैं सर इसको इस तरह की सोइल को हम लोग बोलते हैं लेकेस्ट्राइन सोइल जब पानी की बात करें सब तरह के पानी की बात कर लेते हैं ठीक है सोइल डिपॉजिटेड बाय लेक इज नोन एज योर लेकेस्ट्राइन सोइल्स और लेकेस्ट्राइन सोइल बोल दो या सरोवरिया मृदा बोल सकते हो आप है ना हिंदी में भी आप देख सकते हो उसको सर सरोवरीयृदा लेके ये सॉइल पास हो जाती है सिमिलरली सर एल्यूवियल हो गया सॉइल बाय लेक्स हो गया अगर मैं सॉइल डिपॉजिटेड इन द सी वॉटर अगर यहां पर बात करूं और जो सॉइल हमारे पास डिपॉजिट होगी तो सॉइल डिपॉजिटेड इन सी वॉटर इस तरीके की सॉइल को आप लोग सर बोल सकते हो मरीन डिपॉजिट्स जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स जरूर पढ़े होंगे तो जो मरीन डिपॉजिट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं सर ये हमारे पास होते हैं सॉइल डिपॉजिटेड इन द सी वाटर तीनों नाम देखो यहां से नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन लाइनर सीबीटी वन में वन लाइनर पूछेगा डेफिनेशन पूछेगा आपसे तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए पहला एल्यूवियल सॉइल जो पानी के द्वारा पहुंचाई गई है दूसरा डिपॉजिटेड बाय लेक लेकेस्ट्राइन सॉइल होगी हमारे पास तीसरा डिपॉजिट कहलाती है ठीक है बिल्कुल ठीक है सर तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास है एयर या विंड अब एयर और विंड एयर या विंड से एयर या विंड से ओके okay, एयर या विंड जो हमारे पास होती है एयर या विंड के ट्रांसपोर्टेशन से एयर या विंड के ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो सॉइल आपके पास कहलाएगी दैट सॉइल विल बी नोन एज योर एओलिन सॉइल्स इस तरह की सॉइल ऐसी सॉइल्स जो कि हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है उस सॉइल को हम बोलते हैं एवोलिन सॉइल्स क्या बोलते हैं एवोलिन सॉइल्स आप बोलते हो और एवोलिन सॉइल्स का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है लुएस जिसके बारे में जो एसएससी को बहुत प्यारा है बहुत ज्यादा एस से प्यार करता है बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो ये बात को ध्यान रखना एवोलिन में लुएस आपके पास हो गया और आप कह सकते हो सर सैंड ड्यून्स रेड के तीले रेड के टीले देखे राजस्थान से कौन कौन है भाई यहां पर राजस्थान से है कोई बच्चा ठीक है रेड के टीले जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर हैलो कोई है राजस्थान से जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर से तो उन्होंने ये बिल्कुल देखा होगा और बाकी लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा जो सैंडून्स हमारे पास होते हैं रेड के टीले हमारे पास जो होते हैं वो भी आपके पास एक तरह की एवोलिन डिपॉजिट्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हवा द्वारा ले जाई जाती है ठीक है तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए एवोलिन डिपॉजिट्स हो गया सर सिमिलरली हमारे पास ग्लेशियल डिपॉजिट्स ग्लेशियल डिपॉजिट जो होता है कि ग्लेशियल अपनी जगह पर है तो वहां पर भी कुछ आपके पास क्या हो सकता है कुछ आपके पास सॉइल डिपॉजिट हो सकती है तो वो सारी सॉइल आपके पास कहलाती है ग्लेशियल डिपोजिशन के द्वारा तो इसका मतलब है तीन एग्जाम्पल आपके पास ग्लेशियल डिपॉजिट के देखने को मिलते हैं पहली क्या है सर पहली सर हमारे पास देखो यहां पर समझना इसको जो सॉइल आपके पास ग्लेशियल के द्वारा डिपॉजिट की जाती है उसे हम बोलते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट्स और इसके सर हमारे पास एग्जाम्पल होता है टिल एक एग्जाम्पल टिल है ठीक है एक एग्जाम्पल सर ड्राफ्ट है ड्रिफ्ट है और एक एग्जाम्पल सर हमारे पास आउटवॉश है ठीक है टिल ड्रिफ्ट एंड आउटवॉश ये आपके पास बेसिकली ग्लेशियल डिपॉजिट के आपके एग्जाम्पल होते हैं टिल जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है जब आपके पास हुआ क्या मान लो एक ग्लेशियल डिपॉजिट है एक ग्लेशियल है ठीक है एक आपके पास हिम पर्वत है हिम जो आपका पहाड़ होता है उसी के एंड्स के ऊपर उसी के कॉर्नर्स के ऊपर जहां लोकेशन है वहीं पर अगर आपके पास कुछ सॉइल डिपॉजिट हो जाती है तो वो कहलाती है टिल वो कहलाती है टिल अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन चली जाती है तब वो कहलाती है ड्रिफ्ट दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट और अगर उसके साइड्स में एकदम फ्रंट में जो उसके ऊपर ही जमा हो जाने वाली मिट्टी उसको हम कहते हैं सर आउटवॉश तो ये तीन आपके पास बेसिक डेफिनेशन होती हैं इन तीनों डेफिनेशन को याद भी रखना है और नाम भी याद रखने आपको कि ट्रिएशियल डिफॉजिट्स के तीन नाम होते हैं सर पहला है टिल ड्रिफ्ट और तीसरा आउटवॉश बिल्कुल क्लियर नेक्स्ट सदे देखो हमारे पास ग्रेविटी ग्रेविटी के द्वारा मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्तर से दूसरे पर्टिकुलर स्तर पर जब पानी जब आपके पास कोई भी सॉइल आती है ओनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उस तरह की सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं सर इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं सर कॉल्यूवियल सॉइल इस तरह की सॉइल्स को हम लोग बोलते हैं सर कॉल्यूवियल ठीक है इस तरह की सॉइल को बोलते हैं सर कॉल्यूवियल ठीक है और इसका सर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा जो एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिया जाएगा दैट इज टालोस टालोस तो इज ए एक्साम्पल ऑफ ग्रेविटी डिपॉजिट्स और इस तरह की सॉइल्स को हम लोग कॉल्यूवियल सॉइल्स भी बोलते हैं ये सारे जो नाम हैं, ये सारे जो नाम हैं, ये, है, ये सारे नाम बेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है वाटर हो गया एयर हो गया ग्लेशियर हो गया ग्रेविटी हो गया कॉलिबल डिपॉजिट लैकेस्ट्राइन मरीन एवलेन सॉइल्स बहुत ही बढ़िया तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स के बारे में काफी कुछ मैंने आपको बता दिया एक पॉइंट और यहां पर देखो बढ़िया सा याद आ गया मुझे जबरदस्त एक पॉइंट यहां पे और समझना कि सर जब मैं लुइस की बात करता हूं है ना तो लुइस क्योंकि मैंने बताया था एसएससी को बहुत फेमस है एसएससी को बहुत प्यारा है लुइस तो लुइस के बारे में समझते हैं सर जो हमारे पास लुइस होता है एक आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ विंड ब्लोन डिपॉजिट ये तो हमें पता ही है क्योंकि सर सॉइल के अंदर आ रहा है इसीलिए ये एक एक विंड ब्लोन डिपॉजिट होता है मतलब हवा के द्वारा जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने वाला ठीक है ठीक है ना तो विंड ब्लोन डिपॉजिट सर हमारे पास हो गया ठीक है तो इसको हम एवोलिन सॉइल भी कह सकते हैं इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी लुइस की वो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है सर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब संपीडता होती है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल सॉइल बिल्कुल तो लोएस्ट जो होता है मतलब जितने भी हमारे पास एओलिन डिपॉजिट्स होते हैं वो एओलिन डिपॉजिट्स आपके पास हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है सर क्योंकि उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी आपके पास कम होती है तो ये भी आप कह सकते हो कि सर संपीड़ता इसकी ज्यादा है लेकिन इसकी जो भार वहन करने की क्षमता है इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो सर आपके पास लो हो जाती है तो सर लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी सर लो हो जाएगी ज्यादा लोड ये सहन कर नहीं सकती साथ ही साथ इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि सर ये जो सॉइल हमारे पास होती है इसकी परमिबिलिटी जो होती है सर हाई होती है परमिबिलिटी मतलब सर पारगम्यता तो हाई परमिबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ये आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो लुइस को ध्यान रखने हैं कि सर भार वहन करने की क्षमता इसकी कम होने वाली है हाई परम्यूनिटी इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसकी जो पारगम्यता होती है वो आपके पास क्या होती है सर वो आपके पास ज्यादा होती है कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है ज्यादा कंप्रेस हो सकती है और इसका एक विंड ब्लोन डिपॉजिट आपके पास यहां देखने को मिलता है यही क्वेश्चन जनरली लुइस से आप लोगों को पूछा जाता है बिल्कुल लो डेंसिटी भी आप कह सकते हो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है इसको आप लो डेंसिटी भी कह सकते हो घनत्व भी इसका कम होता है अरे जब हवा नहीं उठा के फेंक दिया अगर ऐसी मिट्टी को जिसको हवा नहीं उठा के फेंक दिया है ना हवा ने उठा के फेंक दिया तो उसमें क्या ही ताकत होगी क्या ही घनत्व होगा तो लो डेंसिटी मतलब घनत्व भी इसका क्या होता है सर घनत्व भी इसका बहुत ज्यादा कम आपको देखने को मिलता है तो ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको लुइस या एवलिन डिपॉजिट्स के बारे में ध्यान रखनी है ठीक है और इस तरह की जो सॉइल होती है इसके बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हो आप कि सर इस तरह की जो सॉइल होती है इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल नहीं है ठीक है इट नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन तो सर कंस्ट्रक्शन के लिए ये तरह की खास ताकत नहीं है इसको लगाओगे मतलब इस तो लुइस को लेकर तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लुइस के भी सर हम लोगों ने पढ़ लिए चलो सर बहुत ही बढ़िया है तो लुइस के बारे में सर यहां पर बात हो गई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स की सर हमने बात कर ली अब इसके बाद देखो सर इसके बाद देखो इसके बाद हम बात करते हैं सर ऑर्गेनिक सॉइल की देखो वेदरिंग की बात हमारे पास हो गई वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन तो आपके पास इकट्ठा होना होता है और इकट्ठा होकर आपका टीला बन जाना वो कहलाता है तो वो पूरा जो साइकिल था वो पूरा साइकिल हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ लिया पर इसके बाद देखो सर ऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करते हैं जनरली जब भी मैं सॉइल की बात करूंगा तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर दोनों होते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉइल्स को भी आप अलग से क्लासिफाई कर सकते हो और ऑर्गेनिक सॉइल्स को भी अलग से क्लासिफाई आप कर सकते हो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल की तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो सारे सॉइल्स हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल्स कहलाते हैं मतलब सर ऑर्गेनिक सॉइल जो प्रोड्यूस होगी दिस इज प्रोड्यूस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स के डीकंपोजिशन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है का मतलब विघटन तो यहां पर प्लांट्स और एनिमल के विघटन से हमारे पास क्या जो सॉइल प्रोड्यूस होती है उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल तो इस बात को आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है कि सर द सॉइल द प्रोड्यूस्ड बाय द दॉइल प्रोड्यूस्ड बाय डी द दॉइल प्रोड्यूस्ड बाय डी कंपोजिशन डी कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो सॉइल प्रोड्यूस बाय डी कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल तो सर ये तो हमारे पास हो गई ऑर्गेनिक सॉइल अब ऑर्गेनिक सॉइल का जो एग्जाम्पल है है ना हा बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल सही है देखो बिक्की बता रहे हैं। बैक्टीरियल ये भी आप साथ में लिख सकते हो बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ठीक है बाय द बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बिल्कुल ठीक है सर इसका कुछ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हो देखो क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं जो एग्जाम्पल काफी बार आप लोगों से पूछे जाएंगे तो पीट मक और ह्यूमस ये आपके पास बेसिक बेसिक एग्जाम्पल आपको यहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है देखो जब आप बात करते हो मक की ठीक है तो मक के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मक का मतलब होता है कि इट कंटेन्स ये क्या कंटेन करेगा इट कंटेन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एज वेल एज एज वेल एज इनऑर्गेनिक मैटर मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं तो वो आपके पास कहलाता है मक ठीक है सिमिलरली सर अगर मैं बात करता हूं पीठ की तो पीठ जो होता है इट इज ऑर्गेनिक ये आपके पास एक ऑर्गेनिक सॉइल है इट इज ऑर्गेनिक सॉइल विच इज विच इज फुली डीकम्पोज जो कि आपके पास पूरी डिकम्पोस्ड हो जाती है तो ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है है ना ऑर्गेनिक सॉइल विच इज फुली डीकोज उसको हम कहते हैं पीट कैसे याद रखें सर देखो ऐसे याद रख सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं बोल रहा हूं फुली फुली का मतलब पूरा का पूरा डीकम्पोज होना देखो यहां पर ये यह ये जो पी 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 है है इस पी को पी से पूरा ये याद रखो तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि सर पीट का मतलब क्या होता है कि ये वो ऑर्गेनिक सॉइल होती है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है सिमिलरली जो लास्ट हमारे पास ह्यूमस है लास्ट हमारे पास सर ह्यूमस है ह्यूमस के बारे में देखोगे तो सर क्या कह सकते हैं कि इट इज इट इज ऑर्गेनिक सॉइल इट इज ऑर्गेनिक सॉइल विच इज विच इज पार्टली डिकम्पोस्ट सर पार्टली का मतलब पार्टली का मतलब आधा अधूरा है ना पार्टली का मतलब आधा अधूरा ठीक है तो पार्टली डिकम्पोस्ट मतलब आधा अधूरा डिकम्पोज होगा अब कैसे याद रखोगे सर देखो एच फॉर ह्यूमस एच फोर क्या रखो? Half याद रखो हाफ याद रखो हाफ का मतलब आधा तो आधा अधूरा आपके पास यहां पर डिकम्पोज होगा पी से पूरा एच से हाफ ठीक है तो पी से पूरा मतलब पूरा फुली डीकोज एच से हाफ मतलब आपके पास पार्टली डिकम्पोज ये वाली बातें भी सर हमें बिल्कुल याद हो चुकी हैं है ना ये वाली बातें भी सर हमें बिल्कुल याद हो चुकी हैं तो पीट मक ह्यूमस ये सारी आपके पास क्या होती हैं हाँ बिल्कुल हर्षित एकदम सही कह रहे हो कि मक प्लस पीट जो होती है उसको आप क्यूमुलो सॉइल भी कह सकते हो ये भी बिल्कुल ठीक है है ना तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं कि सर मक प्लस पीट ये जो हमारे पास होती है दिस इज नोन एज योर है ना दिस इज नोन एज योर तो ये आपके पास भी कहलाती है पी से पूरा बिल्कुल करेक्ट है तो सर ये हमारे पास हो जाती है ऑर्गेनिक सॉइल्स ठीक है ऑर्गेनिक सॉइल्स आपके पास हो गई अब सर यहां से एक बात और यहां पर नोट में लिख सकते हो एक बात लिख सकते हो के साथ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है विशिष्ट गुरुत्व ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल्स इज लेस देन इज लेस देन इन ऑर्गेनिक सॉइल ठीक है तो इन ऑर्गेनिक सॉइल्स के कंपैरिजन में जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल्स होती है इसमें क्या होता है सर इसमें ऑर्गेनिक सॉइल्स में क्या होता है सर यहां पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है लगभग 1.2 से 1.6 की रेंज में आपको देखने को मिलती है तो ये सारी बातें और यही बात यही जो पॉइंट आपको बताया मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो विशिष्ट गुरुत्व की बात मैंने बताई आपको तो यहां से भी आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि सर जब जिस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ही इतनी कम है जिस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ही इतनी कम है उसकी ताकत तो क्या ही होने वाली है ठीक है तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये वाली बात आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान रखनी है सर ठीक है सर ये तो हो गई सर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में अब देखो यहां पर एक फोटो देख सकते हो आप यहां पर आप इमेजेस देख सकते हो इमेज देखो एक तो ये मैंने माल की इमेज बना रखी है यहां पर बताता हूं अभी माल क्या होता है ठीक है ये देखो ये होता है पीठ ये कुछ इस तरह दिखता है ये आपके पास फुली डिकम्पोज होता है देख पा रहे हो ठीक है ये फुली डिकम्पोज होता है आपके पास ठीक है और तीसरा आपके पास ये मक ये आपके पास मक है अब मक के अंदर मक के अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे ठीक है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे और कुछ आपके पास इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे तो यह आपके पास मक होता है इस तरह का आपका पीठ दिखता है अब दोनों बातें तो आपने बता दी माल का मतलब क्या है जो माल आपने यहां लिखा देखो समझा यहां पर एक दो पॉइंट यहां पर समझो कि सर अगर मैं माल डिपोजिट की बात करता हूं तो होगा क्या सर माल बेसिकली एक फाइन ग्रेंड एक फाइन ग्रेन फाइन ग्रेन मरीन डिपॉजिट है ये क्या है सर फाइन ग्रेन मरीन डिपॉजिट है तो सर यहां से समझ में आ गया कि मरीन डिपॉजिट का मतलब होता है कि विच इज डिपॉजिटेड इन द है ना विच इज डिपॉजिटेड इन द सी वाटर करेक्ट है तो मरीन डिपॉजिट फाइन ग्रेन मरीन डिपॉजिट होता है दूसरा सर इट इज स्लाइटली ये क्या होता है सर इट इज स्लाइटली ग्रीनिश इन कलर स्लाइटली ग्रीनिश कलर का आपको देखने को मिलता है जैसे देख पा रहे हो यहां पर स्लाइटली ग्रीनिश कलर का आपको यहां देखने को मिलता है तो इट इज स्लाइटली ग्रीनिश इन कलर माल ठीक है यह बनता कैसे है जब आपके पास जो जो आपके पास एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं ठीक है थेके? उन एनिमल की बोन्स से उसके डिसीकम्पोजिशन से आपको देखने को मिलता है तो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स की जो बोन्स है उसके डीकम्पोजिशन से देखने को मिलता है ठीक है तो प्रोड्यूस बाय डी कंपोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा माल देखने को मिलेगा ठीक है और डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया है सर बिल्कुल बात सही है सर अब यहां से इसके बाद देखो सर दो बात आपको और ध्यान रखनी है जो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है अनुष्का रॉय बताएं बताए कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है बिल्कुल सही बात है इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट ये भी आप लिख सकते हो ठीक है दिस ऑल्सो इज इंपोर्टेंट इट कंटेन्स सीए सीओ थ्री तो सीएसओ थ्री की मात्रा इसके अंदर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है अब आगे देखो सर दो वर्ड जो है जो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर एक हमारे पास होता है बेंटोनाइट बेंटोनाइट अब bentonite जो है इससे भी आपको काफी बार चीजें पूछी जाती है सीएस हाँ, की मात्रा इसमें ज्यादा होती है माल के अंदर अब यहां देखोगे सर बेंटोनाइट की बात है तो बेंटोनाइट एक तरह की सॉइल है जिसको आप कहते हो ड्रिलिंग मड सर ड्रिलिंग मड क्यों बोला इसको देखो बताते हैं अब इसको जब आप क्या करते हो जब भी आप एक्सक्रवेशन करोगे और जनरली अनसपोर्टेड एक्सक्रवेशन करोगे अनसपोर्टेड मतलब ये एक्सक्रवेशन आप कर रहे हो इसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे तो जैसे जैसे डेप्थ ऑफ एक्सक्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे मिट्टी क्या करने लग जाएगी मिट्टी अंदर गिरने लग जाएगी सर मिट्टी जब अंदर गिरने लगती है इसका मतलब आप क्या कर सकते हो सर यहां पर आप यहां पर बेंटोनाइट की स्लरी को ऐड कर सकते हो क्या कर सकते हो सर बेंटोनाइट की स्लरी को ऐड कर सकते हो तो बेंटोनाइट की जो स्लरी है वो यहां पर कोहिजिवनेस इंड्यूस करेगी और यहां मिट्टी को गिरने से बचाएगी तो बेंटोनाइट स्लरी ठीक है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है यहां पर हम बेंटोनाइट की स्लरी यूज करते हैं इस वजह से इसको बोला जाता है सर ड्रिलिंग मड तो दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रिलिंग मड तो इसी को हम ड्रिलिंग मड भी बोलते हैं दूसरी बात समझना यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है बेंटोनाइट क्योंकि बेंटोनाइट के अंदर प्लास्टिसिटी नेचर बहुत ज्यादा होता है प्लास्टिसिटी नेचर ज्यादा होगा और उसके साथ साथ इसके अंदर श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना और आपका स्वेलिंग मतलब फूलना तो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर क्या होती है स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी इसके अंदर ज्यादा होती है तो ये ध्यान रखना इट इज हाईली प्लास्टिक तो ये जो आपके पास मिट्टी होती है सर ये मिट्टी हमारे पास जो है बेंटोनाइट ये हाईली प्लास्टिक होगी और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज ऑब्जर्व तो यहां पर हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज आपके पास ऑब्जर्व करी जाती है अगर मैं बेंटोनाइट की बात करता हूं तो बैंटोनाइट की बात करता हूं तो बेंटोनाइट जो हमारे पास फॉर्म होती है दिस इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक वॉल्केनिक डीकम्पोजिशन से आपको बैंटोनाइट के लिए जनरली देखने को मिलता है तो यहां पर भी लिख सकते हो कि सर फॉर्म्ड बाय फॉर्मड बाय डी कंपोजिशन फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वॉलकैनिक एश फॉर्म्ड बाय डी ऑफ वॉलकैनिक एश तो वॉलकैनिक एश के डीकंपोजिशन से मिलती है और जब सर आपने एक बात बोली जैसे ही आपने ये बात बोली स्वेलिंग और श्रिंकेज की मात्रा ज्यादा होगी वैसे ही हमारे दिमाग में एक बात ऑटोमेटिक चमक जाती है और वो चमकती क्या है सर कि यहां पर हमारे पास मॉन्ट मोरिलोनाइट की मात्रा ज्यादा है तो एक मिनरल एक क्ले मिनरल हमारे पास यहां प्रेजेंट होता है दैट मीन विच इज नोन एज योर मॉन्ट मोरिलो तो इस वाले अंदर मॉन्ट मोरिलो मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल इज प्रेजेंट इसीलिए इसकी हाई स्वेलिंग और शिंकेज जो है वो आपको जनरली देखने को मिलती है ठीक है तो सर बेंटोनाइट के बारे में चार बातें थी तो चारों बातों से काफी बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ठीक है सर सिमिलरली एक सॉइल है जिसके बारे में आपको काफी पूछा जाएगा एंड दिस इज नोन एज योर ब्लैक कॉटन सॉइल काली कपास मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल ठीक है काली कपास मृदा काली कपास मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल अब सर ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल याद रखनी है पहली प्रॉपर्टी सर इसकी हमें याद रखनी है फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है सर कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है this is suitable for, किसके लिए सूटेबल है सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन मतलब सर मतलब है कपास की खेती के लिए यह एकदम उपयुक्त मृदा होती है कपास की खेती के लिए एकदम उपयुक्त मृदा होती है इसको हम बोलते हैं सर सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इसके अंदर भी ये मॉउंट मोरिलोनाइट मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल जो होता है वो ज्यादा होता है ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है अब जब मॉन्ट मोर मिनरल प्रेजेंट है इसके अंदर तो सर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें सर हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगी तो एकदम पॉइंट बाय एकदम देखो सिर्फ समझ समझ के ही चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी है ना समझ समझ की चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी और जब हमारे पास High swelling और श्रिंकेज यहां पर रहता है तो आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि सर इस तरह की जो सॉइल हमारे पास होगी, इस तरह की जो हमारे पास होगी वो सॉइल इस तरह की सॉइल जो हमारे पास होगी सर इसमें आप कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है मतलब इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ठीक है इट इज इट इज नॉट सुटेबल तो यहां पर इस तरह की सॉइल में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते सर आप सर इट इज नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इमेजिन करो इमेजिन करो कि सर आपने घर घर बनाया अब जिस पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर बनाया है ना घर जिस पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर बनाया उस के के ऊपर आपकी वॉल्यूम बढ़ने की और वॉल्यूम के कम होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है तो क्या ऐसी जगह पर आप बनाओगे अपना घर नहीं बनाओगे ना वहां पर सेटलमेंट करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ये जो पर्टिकुलर सॉइल हमारे पास होती है ठीक है और आप देख सकते हो सर कि इट इज फॉर्म्ड बाय अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इट इज फोर्म्ड बाय इट इज फॉर्म्ड बाय डी कंपोजिशन इट इज फॉर्म बाय डी कंपोजिशन ऑफ बेसॉल्ट और ट्रैप रॉक्स ठीक है बेसॉल्ट और ट्रैप रॉक्स के डिकम्पोजिशन से ये जनरली आपको देखने को मिलती है बिल्कुल करेक्ट है बेसॉल्ट और ट्रैप रॉक्स के डिकम्पोजिशन से आपको ब्लैक कॉटन सॉइल प्रोड्यूस होती हुई दिखती है लेकिन सर आपने तो बोल दिया यहां पर कि यहां हमारे पास सर कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं है लेकिन हमारी तो जिद है सर हमें तो कंस्ट्रक्शन करना ही करना है तो जब भी सॉइल इस तरह की जो मिट्टी होती है एक्सपेंसिव सॉइल आती है मतलब वो सॉइल जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है उसको हम एक्सपेंसिव सॉइल कहते हैं तो एक्सपेंसिव सॉयल में कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता है ये बात हमें बिल्कुल पता है सर लेकिन फिर भी हमारी जिद है सर हमें तो कंस्ट्रक्शन करना ही करना है अगर सर हमें कंस्ट्रक्शन करना ही करना है ऐसे केस के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन करना ही करना है ऐसे केस के अंदर तब तो आप एक तरह की पाइल को यूज करते हो और उस पाइल को हम बोलते हैं सर अंडर रिम्ड पाइल्स क्या ठीक है तो क्या बोलेंगे सर अंडर रिम्ड अंडर रिम्ड अंडर रिम्ड पाइल्स आर यूज्ड अंडर रिम्ड पाइल्स आर यूज्ड फॉर सच इस तरह की के लिए हम पाइल्स को जनरली यूज कर रहे होते हैं सर जनरलीम्ड पाइल कैसी होती है ध्यान समझना यहां पर देखो नॉर्मल जो आपके पास पाइल होगी वो सर नॉर्मल पाइल को जिस तरह की होगी आगे चल के जब मैं आपको डी फाउंडेशन पढ़ाऊंगा जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बताऊंगा कि पाइल फाउंडेशन से लोड बियरिंग किस किस तरीके से होती है और आपको जनरली अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा कि जो भी पाइल हमारे पास होती है इसमें दो तरह की कैपेसिटी होती है सर एक आपके पास ये होती है सर पॉइंट बियरिंग कैपेसिटी एक तो पॉइंट बियरिंग से वो लोड को सहन करता है सर दूसरा हमारे पास ये जो फ्रिक्शन होता है जिसको हम स्किन फ्रिक्शन कहते हैं सरफेस फ्रिक्शन कहते हैं इस सरफेस फ्रिक्शन की वजह से वो लोड को रजिस्ट करता है ये दो ही तो केस होते हैं तो अब आपने क्या किया सर अब आपने क्या कर रहे हो पाइल आपने इंटर की और आसपास की सॉइल जो है वो बहुत उसका वॉल्यूम इंक्रीज है डिक्रीज कर रहा है हमें उसको होल्ड करके रखना है तो होल्ड करके रखोगे तो क्या करो सर इसी पाइल के अंदर ये एक इस तरह का बल्ब बना दो इसी पाइल के अंदर ये जो आपने बनाया इसको हम कहते हैं सर बल्ब ठीक है तो इस तरह की जो पाइल हमारे पास बनेगी ये पाइल हमारे पास कहलाती है सर अंडर रिम्ड पाइल दिस टाइप ऑफ पाइल इज नोन एज योर अंडर रिम्ड ये अंडरिम फाइल है अब इससे क्या होगा सर इससे हमारे पास फ्रिक्शन के साथ साथ ये बल्क की वजह से आपको इंटरलॉक भी देखने को मिलेगा ठीक है तो सर इंटरलॉकिंग भी आपको देखने को मिलेगी और अगर इंटरलॉकिंग आपको यहां देखने को मिल रही है एंकर देखने को मिल रहा है, उस वजह से क्या होगा सर यहां पर आपकी पाइल जो है वो अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखेगा ठीक है इस वजह से अंडर इम्ड पाइल्स को आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो इन द केस ऑफ योर ब्लैक कॉटन सॉइल अरे चमका के नहीं चमका फटाफट एक बार एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से हार्ड का सिंबल बना के बता दो कि सर एकदम बढ़िया तरीके से यहां तक की सारी बातें एकदम क्लियर है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए सर यहां की सारी बातें हमें एकदम क्लियर हो गई हैं यहां तक की सारी बातें सर एकदम हमें क्लियर है सारे बच्चे जितने बच्चे बैठे हैं यहां पे सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सर यहां तक की सारी बातें एकदम जबरदस्त हैं इसी तरीके से हमें पढ़ाई है आगे भी जबरदस्त तरीके से पूरा सोइल मैकेनिक्स खत्म करेंगे और मजा मजा इतना आने वाला है आप लोगों को चमक गया सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, है जबरदस्त तरीके से बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर बहुत ही बढ़िया केशव कह रहे सर गार्डनिंग सॉइल बताओ सर गार्डनिंग सॉइल चलो देखो गार्डनिंग सॉइल के बारे में सुन लो एक बार गार्डनिंग सॉइल का मतलब लोम की बात हो रही है सर ठीक है तो लोम जो होता है ये बेसिकली सैंड सिल्ट और क्ले सैंड सिल्ट एंड क्ले एक फ्रैक्शन से मिलकर बनता है ठीक है सैंड सिल्ट और क्ले और इसी को सर हम लोग कहते हैं गार्डन सॉइल गार्डनिंग स्वैल नहीं इसी को आप कहते हो गार्डन तो यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि जो भी लोम होता है लोम 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 जो हमारे पास होता है लोम, लोम को आप क्या कहते हो इज बेसिकली मेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले इनके कंपोजिशन से इनके मिक्सचर से आपके पास जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं लोम और वही आपके पास गार्डन सॉइल भी कहलाती है अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना ठीक है इसमें एक चीज और ध्यान रखना सैंड सिल्ट और क्ले के अंदर लोम का क्या मतलब है कि अगर लोम की टोटल क्वांटिटी अगर लोम की टोटल क्वांटिटी मान लेता हूं कि इसमें सैंड एक्स है ठीक है सिल्ट वाई है और ये जेड है ठीक है दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द लोम फॉर एग्जाम्पल एक बात ध्यान रखना कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन जो है वो आपके पास फिफ्टी ऑफ द टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कोई भी फ्रैक्शन आपके पास 50% ऑफ द टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह भी आपके पास लोम की एक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है ठीक है दोनों प्रॉपर्टी यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना कि सर बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए सैंड सिल्ट और क्ले और को गार्डन सॉइल कहते हैं इसी फ्रैक्शन में हमें यहां पर देखने को मिलता है ठीक है बिल्कुल करेक्ट किसी का भी परसेंटेज फिफ्टी से ज्यादा नहीं होता है चलो ठीक है सर ये तो थी सर बेसिक बेसिक सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में लोम के बारे में बता दिया मैंने आपको उसके अलावा आपको बेंटोनाइट्स के के बारे में, के बारे में में ब्लैक कॉटन ठीक है उससे पहले भी हमने काफी सारी सारी चीजें वेदरिंग ऑफ रॉक्स बातें हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ ली है। अब इसके बाद देखो सर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फेज डायग्राम्स ठीक है चरण आरेख फेज डायग्राम्स क्या होते हैं किस तरीके से होते हैं और किस किस तरीके से आप सॉइल को रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है सॉइल को किस किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बिल्कुल सही है अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना सर कि फेस डायग्राम का मतलब है जब भी मैं किसी पर्टिकुलर सॉइल की बात करता हूं तो देखो वहां पर कि सर इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर तीन चीजें आपको जनरली देखने को मिलेंगी पहली चीज क्या है सर पहली चीज हमारे पास ये सॉलिड्स होंगे ठीक है पहली चीज सर हमारे पास ये सॉलिड होंगे दूसरी चीज सर दूसरी चीज यहां पर हमारे पास क्या होगा सर दूसरी यहां पर हमारे कुछ पानी होगा और कुछ आपके पास हवा होगी है ना कुछ आपके पास एयर होगी तो तीन अलग अलग अवस्था में आपके पास यहां पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड और एयर ठीक है तीनों तीनों लिक्विड में आपके पास जनरली पानी आपको देखने को मिलता है तो सॉलिड्स हो गया वाटर हो गया एयर हो गया तीनों से मिलकर आपका एक पर्टिकुलर सॉइल का मास बनता है जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो इसी मास में कितना सॉलिड है कितना पानी है कितनी हवा है इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम तो फेज डायग्राम बेसिकली क्या है फेज डायग्राम बेसिकली चरण आरेख जिसको आप बोलते हो ठीक है चरण आरेख जिसको आप बोलते हो मतलब सर बेसिकली इट इज द इट इज द रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है इट इज द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेजेज ऑफ सॉइल ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉइल अलग अलग सॉइल की अवस्था को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सर कितना हवा है कितना पानी है कितना आपके पास यहां पर एयर है ये आपके पास होता है सॉइल का फेज डायग्राम अब जनरली एक स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है कि सर जनरली जो हम देखने को मिलता है हमें जनरली जनरली सॉइल इज जनरली सॉइल इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन थ्री फेज सिस्टम जनरली सॉइल हमारे पास थ्री फेज

पीवाई क्यू क्वेश्चन भी अभिषेक मौर्य बेटा पीवाई क्यू क्वेश्चन जो है आप लोगों के अभी जब ये कंटेंट पूरा खत्म होगा पचास दिन तक सारे सब्जेक्ट आपके खत्म होंगे उसके बाद दस दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले पढ़ाई करो फिर क्वेश्चन लगाएंगे फिर मैराथन से रिवाइज करेंगे और फिर एक टेस्ट देंगे On YouTube only. इतना comprehensive planning आप लिए कर वहां से देख के फटाफट चीजों को रिवाइज करते चले जाओ ठीक है अब यहां देखो सर यहां पर हम क्या कहते हैं सर ये हमारे पास हो गया सॉलिड्स सर ये हमारे पास हो गया वाटर ठीक है और ये हमारे पास हो गया एयर इस तरीके से हमने अलग अलग स्टेट के अंदर क्या किया इसको डिफाइन कर दिया तो सर ये जो सिस्टम हमारे पास कहलाता है यही कहलाता है सर थ्री थ्री फेज फेज सिस्टम सिस्टम ठीक है इसी को हम लोग कहते हैं थ्री फेस और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होता है अब एक चीज आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान रखनी है कि सर यहां पर हम लोग इस साइड में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट्स को तो, तो दिस इज बेसिकली वेट ऑफ सॉलिड ये सर हमारे पास वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं होता है तो वेट ऑफ एयर इज जनरली नेग्लेक्टेड ठीक है ठीक है ना तो ये हमारे पास क्या होता है सर ये हमारे पास नेग्लेक्टेड होता है पहली बात तो ये हो गई और डब्ल्यू एस का मतलब सर हमारे पास डब्ल्यू एस का मतलब सर हमारे पास ये होता है सर वेट ऑफ सॉलिड्स दिस इज वेट ऑफ सॉलिड्स और डब्ल्यू डब्ल्यू सर हमारे पास क्या होगा डब्ल्यू डब्ल्यू सर हमारे पास होगा वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर ये हमारे पास होता है अब यहां पर आ जाओगे सर तो सर यहां पर हम देखेंगे तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये सर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चीज का ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ एयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वॉल्यूम ऑफ एयर तो आपके पास ज्यादा होता है इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करोगे तो टोटल वॉल्यूम को दो तरीके से लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड सर हमारे पास हो जाता है ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारे पास हो जाता है दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर मतलब मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर जो हमारे पास रिक्त स्थान है वो दो तरीके से भर सकते हैं एक सर भर सकता है पानी से एक भर सकता है आपके पास किससे एक भर सकता है आपका हवा से तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों को मिला लोगे तो सर सर क्या मिल जाएगा दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ ये इतनी सिंपल सिंपल सी लोग क्यों बताई जा रही है क्योंकि इन्हीं सिंपल बातों से आगे हम बहुत सारे रिलेशनशिप देखेंगे और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहां से आपको देखने को मिलेंगे तो एक बार इन चीजों को समझ लोगे तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सिमिलरली अगर मैं टोटल वेट की बात करूंगा तो टोटल वेट हो गया सर वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ़ वाटर ये हमारे पास यहाँ पर टोटल वेट समझ में आ रही है, कि क्या होता है। इसके बाद में क्या सर सिर्फ थ्री फे सिस्टम ही होता है क्या टू फे सिस्टम कुछ नहीं होता क्या हमारा सिस्टम इससे ज्यादा हो सकता है क्या तो एक बात समझना यहां पर कुछ हमारे पास स्पेशल कंडीशंस होती हैं अब स्पेशल कंडीशंस का मतलब समझो कि दो कंडीशन की मैं यहां बात करता हूं एक मैं बात करता हूं फुली ड्राई फुली कह दो या कंप्लीटली ड्राई कंडीशन पूर्णतः शुष्क अवस्था जो हमारे पास होती है कंप्लीटली ड्राई कंडीशन ठीक है कंप्लीटली कंप्लीटली ड्राई ड्राई कंडीशन कंडीशन का मतलब कि पानी यहां से क्या कर दिया आपने पानी यहां से आपने हटा दिया तो पानी हटा दिया तो अब ये जो फेज आपका बचा ये सर इसमें क्या बचेगा सर इसमें आपके पास बचेगा सॉलिड बचेगा और एयर बचेगा तो वेट ऑफ सॉलिड सर हमारे पास ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा और ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इस वाले केस के अंदर जब हम फुली या कंप्लीट ड्राई की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाता है जीरो या वेट ऑफ वाटर क्या हो जाता है जीरो दैट मीनस दिस इज बेसिकली योर टू फेस सिस्टम तो ये हमारे पास यहां पर टू फेस सिस्टम देखने को मिलता है और जो टोटल वॉल्यूम होगा यहां पर इस वाले केस में वो सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर ट मीन्स आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो है वो यहां पर एयर के बराबर है ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया है दिस क्वेश्चन कि इन द केस ऑफ कंप्लीटली ड्राई कंडीशन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर ओनली तो ये वाली बातें आपसे पूछी जाती हैं आगे भी पूछी जाएंगी हमेशा अनंत काल तक पूछते रहेंगे क्योंकि यही जगह है यही चीजें हैं पूछने लायक और कोई चीज है ही नहीं और एक आपके पास होता है फुली सैचुरेटेड और एक आपके पास होता है फुली सैचुरेटेड सॉइल फुली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब फुली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब सर यहां पर आपकी जो हवा हवा है वो हवा पूरी हमने मिट्टी की निकाल दी है ठीक है मिट्टी में से हवा हमने पूरी निकाल दी है और यहां आपके पास बच जाएगा सर सॉलिड्स मतलब वॉइड्स के अंदर हवा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पानी है वॉइड्स के अंदर हवा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पानी है तो सर ये आपके पास वेट ऑफ सॉलिड हो गया अब दिस इज वेट ऑफ वॉटर यहां आ जाओगे सर दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और यहां आ जाओगे तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है बात आपको ध्यान रखनी है। अब फुली सैचुरेटेड के अंदर एक बात आप देखने को मिलता है तो ऑल दर्ड्स ऑल दर्ड्स इन दॉल चाहे मैक्रो माइक्रो किसी तरह के वर्ड्स होते हैं अगर सारे वर्ड्स आपके पास पूर्णतः कंप्लीटली पानी से भरे हुए हैं तब वो सॉइल आपकी कहलाती है पूर्णतः अवस्था तो सर ये इसका मतलब क्या क्या होता है fully saturated का मीनिंग क्या है है का ठीक सर दो स्पेशल कंडीशन टू फेस सिस्टम टू फेस डायग्राम दोनों मैंने आपको बता दिए एक ड्राई कंडीशन हो गया एक फुली सैचुरेटेड कंडीशन हो गया ठीक है तो सर ये तो बात होगी हमारे पास फेस डायग्राम्स की अब फेस डायग्राम के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं फेस डायग्राम से ही है ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं फेस डायग्राम से ही <coughs> रिप्रेजेंट कर देखो सुमित कुमार कह रहे हैं सर वेट को लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्या बेटा देखो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जैसे आपको क्या पता कि वो ऊपर होता है या नीचे होता है ये किसने बताया आपको आपने एक रेफरेंस लिया ना एक रेफरेंस लिया और वहां से आपने बताया कि सर ये ऊपर है ये नीचे है है ना ये ऊपर है और ये नीचे ये आपने बताया सिंपल सी बात थी इसी तरह से कुछ रिप्रेजेंट करने के तरीके बनाए गए हैं दो तरीके आपने इस तरह बनाया कि वेट को को इधर लिखना लिखना है 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 वॉल्यूम ठीक तो सबसे पहले देखो सर वाटर कंटेंट वाटर कंटेंट का मतलब होता है जलांश की मात्रा ठीक है और ये जलांश है किसमें सर जलांश हमारे पास है किसके अंदर सोइल के अंदर की बात कर रहे हैं बिल्कुल तो यहां देखो अगर वाटर कंटेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करोगे तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड दिस इज बेसिकली योर याटर कंटेंट ठीक है दिस इज बेसिकली योर वाटर कंटेंट तो ये हमारे पास सर होता है वेट ऑफ वॉटर दिस इज वेट ऑफ वाटर टू द टू द वेट ऑफ वेट वेट ऑफ ऑफ सॉलिड्स वॉटर टू द वेट ऑफ सॉलिड दिस इज नोन एज योर वाटर कंटेंट एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अपर लिमिट ऑफ द वॉटर कंटेंट कितना होता है वॉट इज द अपर लिमिट ऑफ वॉटर कंटेंट जल्दी से बताओ एक बार कि यहां पर अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं तो सर अपर लिमिट अपर लिमिट ऑफ द वॉटर कंटेंट ये क्या होगा सर इसका अपर लिमिट कितना होगा अपर लिमिट कितना होगा क्या वाटर कंटेंट आपके पास मोर देन हंड्रेड परसेंट हो सकता है इसका एक और पूछने का तरीका ये है ठीक है तो अपर लिमिट ऑफ द वाटर कंटेंट क्या होगा जल्दी से बताइए प्रियंका बता रही है अक्षय बता रहे हैं प्रयाग बता रहे हैं महक बता रही है इनफाइनाइट 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 नो अपर लिमिट बिल्कुल करेक्ट है इसमें सर कोई भी कोई अपर लिमिट नहीं होती है मतलब वाटर कंटेंट आपका चाहे जितना हो सकता है तो देर इज नो अपर लिमिट टू द कंटेंट इसीलिए आप कह सकते हो कि वॉटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास बीटर से बड़ा हो सकता है कितना भी ज्यादा आपके पास जा सकता है तो देर इज नो लिमिट कोई भी अपर लिमिट इसके अंदर नहीं होती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर ठीक है तो दिस इज वॉटर कंटेंट ठीक है सर यहां तक की बात हमें समझ में आ गई कि वेट ऑफ वाटर होगा

प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स अब देखो मैंने बताया था आपको टोटल वेट क्या होता है सर टोटल वेट हमारे पास क्या होता है टोटल वेट हमारे पास होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड दिस इज द टोटल वेट दिस इज द टोटल वेट ठीक है तो यहां से आप क्या कर सकते हो सर कि वन प्लस वाटर कंटेंट इज बेसिकली इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स तो यहां से हमें क्या निकालना है यहां से हमें वेट ऑफ सॉलिड्स को निकालना है एक फॉर्मूला है जो बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा आपको कि वेट ऑफ सॉलिड इज टोटल वेट अपॉन वन प्लस वॉटर कंटेंट ये आपको ध्यान रखना है दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो दिस इज बेसिकली वेट ऑफ सॉलिड दिस इज अ वेट ऑफ सॉलिड ये हमारे पास सर टोटल वेट है क्वेश्चन करेंगे तब और भी समझ में आएगा इससे ये यहां से सर ये हमारे पास कहलाता है वाटर कंटेंट तो दिस इज योर वाटर कंटेंट टोटल वेट और वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू एस इस तरह की चीजें हमें यहां पर याद रखनी है बढ़िया तरीके से ठीक है ठीक है सर यहां तक की बातें अपर लिमिट समझ में आ गया यहां पर फॉर्मूला हमें समझ में आ गया वाटर कंटेंट का और यहां तक की बातें हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई ठीक है सर ठीक है अब यहां पर देखो एक पॉइंट आपको और यहां समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप कैसे समझ सकते हो सर देखो ध्यान से समझना पर कि एक पॉइंट आपको समझना है कि जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो सर, के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड ये कभी चेंज नहीं होते हैं It does not change. तो इस बात को ध्यान रखना कि वेट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉलिड्स वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डज नॉट चेंज ठीक है ये आपके पास चेंज नहीं होंगे तो वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आपके पास चेंज नहीं होते हैं मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये आपके पास चेंज नहीं होंगे अगर आप सॉइल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हो ठीक है मान लो ये आपने एक सॉइल उठाई ये सॉइल उठाई इसमें कुछ वेट ऑफ सॉलिड है वन ये आपने सॉइल बिहार से उठा के राजस्थान भेज दी तो यहां पर भी जब जाएगा तो ट्रांसपोर्ट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी तब भी उसमें वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास सेम रहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास सेम रहता है तो वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास चेंज नहीं होता है इस चीज का हमें ध्यान रखना है यह भी सर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आता है ठीक है तो सर यह वॉटर कंटेंट के बारे में सारी बातचीत हो गई अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हाँ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पैरामीटर है प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होता है सर वाइड रेशियो ठीक है वॉइड रेशियो वॉइड रेशियो का मतलब सर वॉइड रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस इज बेसिकली वर्ड रेशियो ठीक है दिस इज बेसिकली दर्ड रेशियो मतलब सर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो ये सर हमारे पास होता है वॉइड रेशियो ठीक है अब सर वॉइड रेशियो जो आपके पास आया इससे भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से कैलकुलेट कर सकते हो और वो फॉर्मूला क्या हो सकता है सर वो फॉर्मूला हो सकता है सर कि यहां से वन इधर भी ऐड कर दो और सर ये वन इधर भी ऐड कर दो ठीक है दोनों जगह वन ऐड कर दोगे तो सर ऊपर देखो क्या बन रहा है ऊपर सर बन रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर ये तो टोटल वॉल्यूम बन गया तो ये टोटल वॉल्यूम आपके पास बन जाएगा तो सर टोटल वॉल्यूम ये बन गया डिवाइड बाय वी तो यहां से आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी निकाल लिया जो कि वी अपॉन वन प्लस ई हो जाता है सर ये फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल है बोरो पिट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बोरो पिट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके यहीं से इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला से सॉल्व हो जाती है ठीक है सारे फॉर्मूला से यहां से सॉल्व हो जाती है दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये टोटल वॉल्यूम है लिख देता हूं मैं सर इसको ज बेसिकली योटल वॉल्यूम ठीक है यह हमारे पास सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा सर यह क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा और यह हमारे पास सर वर्ड रेशियो देखने को मिल जाएगा यह फॉर्मूला भी हमें एकदम चमकना चाहिए दिमाग में जब भी सामने आया डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या वर्ड रेशियो की कोई अपर लिमिट होती है जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे क्या वर्ड रेशियो की कोई अपर लिमिट होती है जल्दी से बताओ एक बार दिल्ली से बताओ अपर लिमिट के बारे में बता दो कि वर्ड रेशो की अपर लिमिट होती है कि नहीं होती है और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखेंगे क्या वर्ड रेशियो दस वर्ड रेशियो हैव एनी अपर लिमिट नहीं बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना भी आप बढ़ा सकते हो उसमें तो वर्ड रेशियो आपके पास ज्यादा हो सकता है ग्रेटर देन वन भी हो सकता है अब यहां पर देखोगे कि तरह वॉइड रेशियो जो हमारे पास होगा वॉइड रेशियो जो हमारे पास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मिट्टी की डेंसनेस से डेंसनेस ऑफ सॉइल से तो जितना ज्यादा वॉइड रेशियो मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड उतनी कम मिट्टी की गणत्वता है और जितना ज्यादा हम जितनी कम हमारे पास वॉइड रेशियो होगा उतनी ज्यादा मिट्टी की डेंसनेस होगी तो ये इनवर्सली प्रपोर्शन रिलेशन है गणत्व के साथ जो मिट्टी की घनत्वता होती है मिट्टी की डेंसनेस होती है उसके साथ आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहां पर याद रखना है वर्ड टर्म में तो सर ये हमें याद हो गया है वाटर कंटेंट समझ में आ गया वर्ड रेशियो समझ में आ गया अब नेक्स्ट देखो समझो यहां पर जब मैं फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करता हूं तब यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल तो फाइन या कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करोगे तो इसमें सर साइज ऑफ द वर्ड वर्ड की साइज किसमें ज्यादा होगी ऑब्वियसली अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूं ऐसे और ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो इनके बीच के जो वर्ड का साइज होगा वो बड़ा होगा इसका मतलब कोर्स में वर्ड की साइज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और फाइन ग्रेन में वर्ड की साइज आपको कम देखने को मिलेगी पहली बात तो ये हो गई सर दूसरी बात अगर मैं एक वॉल्यूम मतलब एक वर्ड के वॉल्यूम की बात करता हूं तो एक वर्ड के वॉल्यूम की बात देखोगे तो क्योंकि साइज छोटी है तो वॉल्यूम भी कम होगा अगर एक वर्ड की बात हो रही है साइज बड़ी है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा अगर एक वर्ड की बात हो रही है नंबर ऑफ पूछोगे तो सर नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास फाइन ग्रेन में ज्यादा होते हैं और कोर्स ग्रेन में कम होते हैं और यही टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ही है एक ही बात है तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास किसमें ज्यादा होंगे यह भी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि सर फाइन ग्रेड सॉइल में नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास ज्यादा होते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल में नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कम होते हैं बिल्कुल क्लियर बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है सर चलो ठीक है आगे बढ़ो सर नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट हमारे पास सर प्रॉपर्टी है पोरोसिटी पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन दोनों के बारे में बातचीत कर लेते हैं तो सबसे पहले सर पोरोसिटी सर पोरोसिटी क्या होता है पोरोसिटी हमारे पास होता है सर कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दिस इज बेसिकली योर पोरोसिटी ठीक है ये हमारे पास पोरोसिटी होगा कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड टोटल वॉल्यूम और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है सर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिस इज नोन एज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन अब इसको एक तरीके से आप याद रख सकते हो एक तरीके से आप याद रख सकते हो ठीक है इसको आप एक तरीके से याद रख सकते हो कैसे याद रख सकते हो सर कि यहां पर अगर मैं पोरोसिटी की बात करूं और मैं अगर मैं वॉइड रेशियो की बात करूं तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में से किसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा देखो ड रेशियो आपने डिफाइन किया था वॉल्यूम ऑफ वर्ड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ठीक है वॉल्यूम ऑफ वर्ड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये आपके पास क्या होता है ये आपके पास वर्ड रेशियो होता है ठीक है ये आपके पास वर्ड वर्ड रेशियो होता है तो यहां से देखोगे सर पोरोसिटी और वर्ड रेशियो तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वर्ड किसके रेस्पेक्ट में है टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यहां वॉल्यूम ऑफ वर्ड किसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में तो कौन ज्यादा रिलायबल होगा कौन ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा आपके जीवन में कौन ज्यादा रिलायबल है वो इंसान जो लगातार बदलता जा रहा है या वो इंसान जो सालों से आपके साथ कॉन्स्टेंट है कौन ज्यादा रिलायबल है बताओ किस पे ज्यादा भरोसा करते हो आप जो हर वक्त बदलता रहता है उस पर ज्यादा भरोसा करते हो या जो जीवन भर एक जैसा ही आपके साथ उस पर ज्यादा भरोसा करते हो ठीक है तो यहां देखोगे तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जैसे बताया था कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारे पास है ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या होता है वो आपका चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम जो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो चेंज होगा तो ये तो बदल रहा है ये नहीं बदल रहा इसलिए या आपका जो वर्ड रेशियो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है आपके कंपैरिजन में अब divide, to the porosity. तो यहां ले सकते हो कि रेशियो इज मोर सर, इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है ठीक है वर्ड रेशियो हैज हैज मोर इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस हैज मोर इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस देन पोरोसिटी पोरोसिटी ज्यादा सिग्निफिकेंस का आपको देखने को मिलेगा तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड सुधा टोटल वॉल्यूम हमारे पास होता है अब सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखो जब भी आपके पास बात आए तो बालो सॉइल है और सॉइल के अंदर वॉइड्स है ठीक है वॉइड्स के अंदर पानी की मात्रा कितनी है वॉइड्स के अंदर पानी की मात्रा कितनी है ये होता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब संतृप्ति की डिग्री ठीक है ये आपके पास होता है इसका मतलब है सर जितना आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसमें पानी कितना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा सिमिलरली एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एयर कंटेंट उसका मतलब ये हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है वर्ड्स के अंदर तो वर्ड्स में दो ही चीजें हैं या तो पानी या हवा है पानी कितना है वो आप बताओगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन से और हवा कितनी है ये बताओगे आप एयर कंटेंट से ठीक है और ये आपका कितना होगा सर जीरो से हंड्रेड परसेंट के बीच में होता है ये बात भी बिल्कुल क्लियर है सर तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है अभी कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे वहां से भी चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी आगे आ जाओ सर देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से देखोगे तो सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जब बात करते हैं तो अगर जीरो से पॉइंट टू फाइव के आसपास होगा तब आपके पास सॉइल जो है वो सर हमारे ह्यूमिड कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी ना सॉइल विल बी इन द ह्यूमिड कंडीशन ठीक है जागृति बता रही सर एस प्लस ए सी अभी आ रहा हूं सिर्फ उसी, उसी के ऊपर ठीक है उसी के ऊपर आऊंगा ये वाला फॉर्मुला डिराइव करके बताऊंगा एस प्लस एसी बराबर वन कैसे होता है पहले इस टेबल को समझो सर अगर मैं पॉइंट टू फाइव से पॉइंट फाइव जीरो बताता हूं तो सर इस समय सॉइल हमारे पास कौन सी कंडीशन में है डैम्प कंडीशन में सॉइल होगी 0.5 से 0.75 की बात करेंगे तो सर सॉइल हमारे पास मॉइस्ट कंडीशन में सॉइल होती है पॉइंट सेवन फाइव से वन की बात करते हो तो सॉइल आपके पास वेट कंडीशन में और अगर वन हो जाएगा तो सॉइल आपकी कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हो जाती है सिर्फ पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव इंक्रीज करो पूरी टेबल याद हो जाएगी और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो यहां वो बताऊंगा जो रिलेशन आप कह रहे थे ठीक है दोनों रिलेशन जो मौर्य आशीष कह रहे हैं वो वाला रिलेशन भी और जो आप लोग बता रहे हो वो वाला रिलेशन दोनों रिलेशन यहीं पर आ जाएंगे कि सर एयर कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स अब यहां से बातों को समझना बातों को अगर समझ जाओगे तो इन फॉर्मुलेस में कंफ्यूज नहीं होंगे बातों को समझ जाओगे तो फार्मूला कंफ्यूज नहीं हो पाओगे ठीक है आसान लगेगा चीजें अगर आप एयर कंटेंट की बात करते हो तो मैंने क्या बताया वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स के अंदर कितना है सर वो हमारे पास एयर कंटेंट है पोरोसिटी मैंने बता दिया था वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ये हमारे पास पोरोसिटी होती है पोरोसिटी को आप परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स भी परसेंटेज ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो ठीक है अब परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड जो हमारे पास होता है मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम जब भी परसेंटेज की बात आएगी जब भी परसेंटेज की बात आएगी इसका मतलब हमेशा हम टोटल से लेते हैं तो ये क्या है सर हमारे पास ये हमारे पास है सर टोटल वॉल्यूम तो सर पोरोसिटी की जब हम बात करते हैं मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ठीक है टू द टोटल वॉल्यूम ये हमारे पास होता है परसेंटेज ऑफ 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 एयर एयर यहां देखो यहां देखोगे वॉल्यूम वॉल्यूम टू द अब से दो रिलेशन आप निकाल सकते हो और दोनों रिलेशन आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए पहला रिलेशन देखो सर क्या है पहला रिलेशन है फर्स्ट रिलेशन यहां से देखो दो रिलेशन ये विभाजन कर देते हैं इसका दो रिलेशन देखो पहला सर एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का तो एयर कंटेंट है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सर वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पानी वॉइड्स के अंदर क्या क्या है सर वॉइड्स के अंदर एयर है और वाटर है दोनों को ऐड कर दो टोटल वॉइड्स ही बन जाएगा तो दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब वन आ गया तो यहां से आपका एक रिलेशन डेवलप हो गया वो क्या हो गया सर ए सी प्लस एस बराबर वन तो ये भी आपसे कभी कभी हो सकता है पूछ ही लिया जाए ठीक है पहली बात तो जो आप लोग कह रहे थे वही रिलेशन ये हो जाएगा दूसरा रिलेशन देखो सर दूसरा रिलेशन हमारे पास किसके बीच में आना चाहिए सर पोरोसिटी परसेंटेज ऑफ एयर वॉर्ड्स और एयर कंटेंट के बीच में क्या रिलेशन है अगर मैं ये कहता हूं कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय पोरोसिटी होता है तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार देखो सर यह हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम एयर कंटेंट सर हमारे पास क्या है एयर कंटेंट है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और यहां पर आप देखोगे पोरोसिटी को तो सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैंसिल आउट हो गया मतलब ये दोनों बराबर आ गए वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स एल एच एस बराबर आरएचएस बचपन का सपना पूरा यही करते थे मैथ्स की क्लास में बहुत मजा आता था सर एल एच एस आर एच एस बराबर करने में इसका मतलब हो गया जो आपने रिलेशन लिखा है सर ये एकदम करेक्ट है ठीक है तो परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स इज इक्वल टू एयर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय द पोरोसिटी तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है दूसरा रिलेशन ये याद रखना है एग्जाम में काफी काम आएगा ठीक है ठीक है सर ये फॉर्मूला तो हमें याद हो गए ठीक है ये तो कुछ रिलेशनशिप हमें याद हो गए सर इसके बाद इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे पास होती है इज यूनिट वेट ठीक है इकाई भार हमारे पास क्या क्या होता है इकाई भार के बारे में बातचीत करेंगे बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है क्या यहां तक की सारी बातें अभी तक क्लियर है ईजी है मजा आ रहा है चीजों को समझने में सॉयल मैकेनिक्स इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से सारे मेजर मेजर सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट सॉयल मैकेनिक्स के वो हम साथ साथ कवर करते चले जाएंगे इन नौ क्लासेस के अंदर ही ठीक है थोड़ा सा आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो भी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हो रहा है उसको पहले से आपको रिवाइज करके आना है ठीक है और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं बता चुका हूं पीडब्ल्यू <coughs> यशवंत सर ठीक है पीडब्ल्यू यशवंत सर यह टेलीग्राम चैनल है यहां पर मैं इसकी पीडीएफ को शेयर कर दूंगा इस चीज को आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर रखना है और कोई भी डाउट इसके बाद भी आता है मान लो सर क्लास में हम लोग पूछ नहीं पाए क्लास में ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे दिमाग से निकल गया पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया नहीं बाद में चल के पूछना है टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो पीडब्ल्यू यशवंत सर पे ठीक है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कोई भी संकोच नहीं करना है आप लोगों को ठीक है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहां पर आप कोई भी डाउट कैसा भी डाउट आपको लगे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो चलो ठीक है सर अब यहां देखो सर प्रॉपर्टीज ऑफ साइल में नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेट पीडीएफ कितनी देर में आएगी देख रहे हो भारत में रह समय की बात कर रहे हैं विक्रम कुमार रवानी पीडीएफ कितनी देर में भाई बेटा जब मैंने बोल दिया है पीडीएफ आ जाएगी तो पीडीएफ आ जाएगी बस कितनी देर में कैसा कितने सेकंड में घड़ी लेके बैठो कितने सेकंड में आएगी पीडीएफ पीडीएफ अभी तक नहीं आई अरे पीडीएफ बिल्कुल आएगी ठीक है डोंट वरी आप रात को सोने जाओगे उससे पहले पीडीएफ आपको मिल जाएंगे चलो ठीक है सर यूनिट वेट का मतलब हो गया हमारे पास यूनिट वेट का मतलब हो गया हमारे पास इकाई भार ठीक है यूनिट वेट का मतलब हो गया सर हमारे पास इकाई भार इस चीज को हमें ध्यान रखना है, सर। अब यहां देखो, का मतलब क्या है? सर, सबसे पहले बात करेंगे कुछ सारे बच्चे बताएंगे कि सर बल्क यूनिट वेट क्या होता है जल्दी से बताओ बल्क यूनिट वेट इसको आप रिप्रेजेंट करते हो गामा टी या गामा बी से मतलब होता है सर कि टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम दिस इज द बल्क यूनिट वेट ठीक है टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम ठीक है ना तो दिस इज योर बल्क यूनिट वेट तो सर पहला आ गया हमारे पास टोटल टोटल वेट डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम ठीक है कंप्लीट जो भार है डिवाइड बाय कंप्लीट जो आयतन आपके पास आता है वो आपका टोटल वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है सर दूसरा सर हमारे पास ड्राई यूनिट वेट ठीक है शुष्क इकाई भार ड्राई यूनिट वेट क्या होता है सर ड्राई यूनिट वेट का मतलब गामा डी मतलब सर ड्राई सॉलिड का सॉयल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम या फिर वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दिस इज बेसिकली नोन एज योर ड्राई यूनिट वेट ठीक है सिमिलरली सर एक बात देखो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ठीक है नेक्स्ट सर हमारे पास एक होता है यूनिट वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स मतलब गामा एस की बात हो रही है सर गामा एस का मतलब डब्ल्यू एस बाय वी एस दिस इज द गामा एस मतलब वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ठीक बल्क और ड्राई में फर्क क्या होता है सर मिस्टर गणेश अभी आपको बताते हैं बल्क और ड्राई में फर्क क्या होता है ठीक है, है, है।, है? है ये दो बेसिक डेफिनेशन का ही डिफरेंस यहां पर आ जाता है ठीक है तो सर यूनिट वेट हो गया उसके बाद हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट एक सर क्या होगा एक सर हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है टेड बाय द वॉल्यूम दिस इज दैचुरेटेड हो गया एक आपके पास फाइनली होता है सर समर्ज य आप लोग बोलते हो सर गामा समर्ज और जो होता है समर्ज वेट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम दिस इज नोन एज बेसिकली योर सम्मर्ज यूनिट वेट अब सम्मर्ज यूनिट वेट का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर गामा समर जो हमारे पास होता है वो होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है सर इसमें गामा डब्ल्यू क्या आ गया गामा डब्ल्यू बेटा हमारे पास होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है ये ये हमारे पास होता है सर यूनिट वेट ऑफ वाटर जिसको आप यूनिट के आधार पर इसकी इकाई के आधार पर, पर पीछे यूनिट जो होती है उस डायमेंशन के आधार पर आप इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हो जैसे जैसे सर अगर ग्राम पर सीसी में बोला जाए तो सर इसको हम लेते हैं वन ग्राम पर सीसी है ना के पर मीटर क्यूब में बोला जाए तो सर थाउजेंड के पर मीटर क्यूब हम ले लेते हैं थाउजेंड के पर मीटर क्यूब ले लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बोला जाए तो सर हम इसको नाइन पॉइंट एट वन या फिर टेन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर कर लेते हैं तो ये सब किसकी वैल्यू है सर गामा डब्लू की वैल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू है बिल्कुल क्लियर बातें हैं बातें एकदम दिमाग में छप गई सर जबरदस्त तरीके से तो गामा समझ हमारे पास गामा ये लेकिन 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 एक क्वेश्चन जो है वो यहां से आपको काफी बार पूछा जाएगा कि भाई साहब बता दीजिए हमें कि बता दीजिए हमें हाँ इंडिया इंडिया नाम से बता रहे हैं एक कि सर ये क्या हो रहा है है ना हाँ आपकी हेल्थ के लिए बेटा यही सही है <laughs> आपके हेल्थ के लिए यही सही है है ना हाँ क्योंकि बाकी सारे बच्चों का तो शानदार पकवान बन रहा है बिरयानी बन रही है और आपके लिए खिचड़ी बन रही है तो जिसको जो पसंद है वो आप देख सकते हो क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो एकदम बिरयानी खा रहे हैं बढ़िया तरीके से है ना आपसे इससे यहां पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा यहां पर आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर क्या है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाएगा तो यहां पर देखो अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर की तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट वेट यूनिट वेट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास यहां देखने को मिलता है ठीक है? वो क्या देखने को मिलता है हाँ सबसे बड़ा हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स उसके बाद सर हमारे पास यहां पर गामा सैचुरेटेड फिर सर गामा बल्क उसके बाद सर गामा ड्राई और सबसे छोटा हमारे पास गामा सम्मर्ज सबसे छोटा हमारे पास गामा ये ऑर्डर आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है ठीक है दिस इज बेसिकली योर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ये सर हमारे पास होता है सेचूरेटेड सेचूरेटेड यूनिट वेट ठीक है दिस इज बेसिकली योर बल्क दिस इज बेसिकली योर बल्क यूनिट वेट ये आपके पास सर ड्राई यूनिट वेट इस ऑर्डर को आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद रख लेना हो सबसे छोटा सर हमारे पास होता है समर्ज यूनिट वेट यूनिट वेट ठीक है सबसे छोटा हमारे पास होता है सर समर्ज यूनिट वेट चलो बिल्कुल चलो ठीक है सर हाथोड़ी का मुसाफिर क्या बात है तो सबको याद है एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से एकदम याद है सर तो ये वाला ऑर्डर जो है ये ऑर्डर आप लोगों को एकदम ध्यान रख लेना है यहां से ठीक है सर यहां तक की बातें हमें एकदम क्लियर हो रही हैं चलो एक दो बातें और कर लेते हैं फिर एक दो बातें और कर लेते हैं देखो यहां पर अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं क्वेश्चंस करें एक दो जल्दी से बताओ एक बार क्वेश्चंस करें क्या क्वेश्चंस करें जल्दी से बताओ एक दो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी और बहुत सारी चीजों को समझेंगे क्या बात है नीतीश पांडे बता दो कैसे याद करना है इसको याद कर सकते हो संडे से संडे सैटरडे बैड डे और समर सबसे कम वाला अच्छा वेरी नाइस nice। चलो सर यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले ठीक है यहां से पहले कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और पोल कहां से आएगा पोल यहां से आएगा ठीक है जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे पहला क्वेश्चन यहां से फर्स्ट क्वेश्चन सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कहां से कौन से लेटिन वर्ड से कौन से लेटिन वर्ड से सॉइल डिराइव किया जाता है लेकिन आपको बेटा इतना जरूर ध्यान रखना है इतना जरूर ध्यान रखना है कि आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है दो घंटा तीन घंटा चार घंटा मिनिमम चार से साढ़े चार घंटे सिटिंग पावर बनानी पड़ेगी आपको इस चीज का ध्यान रखना ठीक है कभी यह गलती मत करना कि दो दो घंटे के अंदर ब्रेक की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ठीक है बिल्कुल उड़ा दिया है सारे बच्चों ने यहां पर ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर सारे बच्चे जितने भी है सब एक बार कमेंट कर दोगे तो वहां से एकदम बातें हमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी कि सबको ये याद हो रहा है या नहीं हो रहा है चमक रहा है या नहीं चमक रहा है वहीं से मजा आ जाएगा एकदम है ना तो सर ए इज द राइट आंसर सारे बच्चे कर लिए कमेंट तो मैं बन करूंगा पोल बताओ पहले बिल्कुल बिल्कुल तो यहां से देखो अब स्टॉप करते हैं इसको देखते हैं ंड्रेड परसेंट बच्चों ने उड़ा दिया इसको बहुत जबरदस्त क्रिएटिव इंजीनियर ने सबसे फास्टेस्ट आंसर किया है क्रिएटिव इंजीनियर अनता गुआ और बहुत सारी लिस्ट है भाई साहब चलो ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को मजा आएगा इसमें तो सर सोलियम इज द राइट आंसर बता चुका हूं मैं आप लोगों को पहले ही ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये बताओ जियोलॉजिकल साइकिल जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज सॉइल के फॉर्मेशन में जियोलॉजिकल साइकिल क्या है क्रिएटिव ने पहले सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया था यहां से बताओ जियोलॉजिकल साइकिल जिसको आप पेडोजेनेसिस साइकिल भी बोलते हो जिसको पेडोजे साइकिल भी बोलते हो अपहीवल ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन वेदरिंग पहला हो गया वेदरिंग अपहीवल ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन देखते हैं कितना याद है आपको ट्रांसपोर्टेशन अपहीवल वेदरिंग डिपोजिशन या लास्ट वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन और फिर अपहीवल सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है सारे बच्चे कमेंट करेंगे तब बात मजा आएगा सारे बच्चे कमेंट करेंगे तब मजा आएगा क्योंकि आपको अपनी रैंक पता चलेगी जितने बच्चे यहां बैठे हैं 600 बच्चे बैठे हैं 600 बच्चे में रैंक पता चलनी बहुत इंपॉर्टेंट है है ना कि सही है या गलत है देखो सबसे पहला वेदरिंग बिल्कुल करेक्ट दूसरा सर परिवहन ट्रांसपोर्टेशन तीसरा सर डिपोजिशन चौथा सर अपल क्या सेंचुरी मार दी आप लोगों ने दी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सर एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे हैं जो यहां पर आंसर कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो बैठे हैं नालायक और आंसर नहीं कर रहे हैं देखो अभी भी गलती कर दी है नाइनटी सिक्स जोत्सरानी तराई ने फास्ट दिया अननीता गुआ सेकंड साक्षी बागावा थर्ड प्रेजेंट और बहुत ही बढ़िया ये टॉप फिफ्टी बता रहा है तो अभी तक तो ये टॉप फिफ्टी बता रहा है आप लोगों को चलो ठीक है बहुत ही बढ़िया वेरी नाइस आगे आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है लेकिन इसका जो आपके पास फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्टेरिकल पार्टिकल्स द दर्ल्ड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसे स्टेट आर एक्सपेक्टिवली वर्ल्ड रेशियो लूजेस्ट और डेंसेस्ट स्टेट में क्या होता है ये मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है लेकिन यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जल्दी से मुझे बताइए फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल्स आपके पास लूजेज़ स्टेट में मतलब ई e मैक्स कितना होता है और डेंसेज स्टेट में मतलब ई e मिनिमम कितना होता है ई e मिनिमम कितना होता है जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे पॉइंट नाइन थ्री फाइव पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट नाइन पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो 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 नाइन और पॉइंट सिक्स फाइव एक बात आपको सबसे पहले यहां ध्यान रखनी है कि अगर यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स हैं ठीक है यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल्स हैं तो ये दो तरह के अरेंजमेंट इसके अंदर होते हैं एक आपके पास होता है सर क्यूबिकल अरेंजमेंट कैसा क्यूबिकल अरेंजमेंट या फिर क्यूबिकल एरे जहां से आप क्या कर सकते हो सर मैक्सिमम वर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में तो मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम इन क्यूबिकल अरेंजमेंट तो यहां आपको देखने को मिलता है सर पॉइंट सिमिलरली आपके पास जो रोम्बोहाइड्रोल अरेंजमेंट होता है रोम्बोहेड्रल जब आपके पास रोम्बोहेड्रल एरे बनेगा या रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट होगा तब उस वाले केस में आपको मिनिमम वर्ड रेशियो देखने को मिलेगा और सर ये होगा हमारे पास पॉइंट थ्री फाइव सारे बच्चे एक बार जो मैंने टेलीग्राम चैनल आपको बताया था एट द रेट पीडब्लू यशवंत सर इस टेलीग्राम चैनल में बेटा आपको एक काम करना है आपको क्या करना है आपको मुझे इसकी डेरिवेशन जो है ये जो मैक्सिमम कैसे आता है और ये मिनिमम कैसे कैलकुलेट होता है ये कैलकुलेशन एक पेपर पे सॉल्व करके मुझे जरूर सेंड करना किसमें टेलीग्राम चैनल पर मैं देखना चाहता हूं क्या आपको क्लियर है क्या अगर आपको नहीं आएगी तो कल मैं इसको आपको बढ़िया तरीके से डिराइव करके बता दूंगा लेकिन अगर आपको आती है तो फिर मुझे बहुत जान के खुशी होगी इस बात की आपको क्लियरली पता है सिर्फ डटा नहीं है आपने आपको वैल्यूज सिर्फ याद नहीं है इसका डेरिवेशन भी पता है ठीक है तो वो मुझे जरूर यहां पर जरूर भेजना टेलीग्राम चैनल पर ठीक है सर एंड इस बार कौन बाजी मार गया इस बार कौन बाजी मारा भाई फास्टेस्ट किसने किया इस बार देखें इस बार चलो सर इस बार बताओ ना लायक हो देखो यहां पे चौसठ परसेंट बच्चे अरे बाकी मैक्सिमम वर्ड रेशियो मिनिमम वर्ड रेशियो और आपसे एकदम याद होना चाहिए बिल्कुल देखते हैं अभिषेक जयसवाल ने फास्टेस्ट किया कौशिक प्रांजल रोहित आनंदिता बहुत ही बढ़िया वेरी नाइस कहां तक बता रहा है सर पच्चीस तक ही बता पा रहा है टॉप ट्वेंटी फाइव चलो बहुत ही बढ़िया आई थिंक काफी सारी चीजें हमने यहां से एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर ली है एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता अभी ठीक है लेकिन अभी तक आपका वो वाला बात जो है वर्ड रेशियो रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी अभी तक हुई नहीं है चलो कोई बात नहीं इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है इसका जो आपने मैंने आपको क्यूबिकल अरेंजमेंट और रोम्बोहेडल अरेंजमेंट का जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला था इसको आपको एक बार जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताना कैसे सॉल्व करते हो नहीं आता है तो कल मैं आपको क्लास में फिर से बताऊंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी किस तरीके से आप रिवाइज बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो और इसी तरीके से अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे हम लोग थोड़ा अपना पेस को इंक्रीज करेंगे इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कल कल आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ के आने हैं जैसे कि सर इंडेक्स प्रॉपर्टीज के इंडेक्स प्रॉपर्टीज में दो तीन टॉपिक आप पढ़ के आना एक आप पढ़ के आना वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन ठीक है वाटर कंटेंट के जो मेथड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के आना ताकि कल मैं पढ़ाने में बहुत मजा आएगा ताकि चीजें आप देख सकते हो ना दूसरा सर यूनिट वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके जो अलग अलग मेथड्स हैं ये भी आपको एक बार कल पढ़ के आने हैं ठीक है ये दो चीजें आपको पढ़ के आनी है ठीक है ना ये दो चीजें आपको पढ़ के आनी है इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से ठीक है और आज की क्लास में तो हमने अभी इंट्रोडक्शन वगैरह किया है और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करी है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करी है तो आपके लिए होमवर्क क्या है आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको एक तो डेरिवेशन मुझे बताना है डेरीवेशन ऑन टेलीग्राम चैनल ये आप सब बच्चा सारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि टेलीग्राम चैनल पे विच इज पीडब्ल्यू यशवंत सर यहां पे आप लोगों को एक बार कमेंट करके जरूर बताना है मुझे कि सर बिल्कुल डेरिवेशन हमको आती है है ना तो ये बातें आपको पढ़ और दूसरा आपके लिए होमवर्क मैंने बताई दिया था कि आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ के आना है और साथ साथ क्लासिफिकेशन को ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज करके आना डिटेल में मैं बताऊंगा कल आपको क्लासिफिकेशन ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो ऊपर ऊपर से एक बार बेटा रिवाइज जरूर करके आना क्लास लेने में मजा आएगा एकदम जबरदस्त तरीके से थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ा दूंगा और जबरदस्त एकदम ट्यूनिंग सेट हो जाएगी ठीक है तो आपको दो तीन चीजें पढ़ के आनी जो मैंने आपको बता दी थी या पढ़ के आओगे जबरदस्त मजा आने वाला है और सॉयल मैकेनिक्स इसी तरह से और भी बेटर वे में और भी अच्छे तरीके से और बेटर रफ्तार के अंदर पढ़ेंगे एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे कैसी लगे आप, आपको आज की क्लास और इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर फुल एनर्जी के साथ बिल्कुल एकदम कंप्लीट आंसर मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग आपकी सेम रहने वाली है इस चीज को आपको ध्यान रखना है सर टाइमिंग आपकी रहने वाली है सिक्स पी एम टू एट पी एम ये आपके पास टाइमिंग यहां पर आपके पास रहने वाली है दिस इज द टाइमिंग ठीक है तो यहां देखो यहाँ क्या कर सकते हैं सर वोट टाइप है ना तो यहां पर एक वोट कर लेते हैं जल्दी से थम्स अप थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे मुझे एक बार एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे और फिर आज की क्लास को एंड करते हैं फुल एनर्जी लेवल पर और बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने में एक बच्चा कह रहा है मेंटल और रेगुलेट बेटा कल मैं आपको बता दूंगा या फिर एक बार टेलीग्राम के मुझे एक बार टेलीग्राम पे मुझे कमेंट करके बता देना वहां से मैं आपको चीजें वहां भी क्लियर कर देंगे ठीक है देखो कुछ चीजें होती हैं जो लाइव क्लासेस में इतने बच्चे होते हैं तो वहां हो सकता है आपके दिमाग से स्किप हो जाए कुछ कमेंट हो सकता है मैं नहीं पढ़ पाऊं लेकिन इसको हम सॉल्व कर सॉर्ट आउट करते हैं इसीलिए एक कॉन्टेक्ट चैनल आप लोगों के लिए बना रखा है ठीक है चलो ठीक है सर बढ़िया हंड्रेड सेंचुरी एकदम थम्स अप की सेंचुरी एकदम जबरदस्त तरीके से चलो ठीक है थैंक यू सो मच एवरी पूरे मोटिवेशन आप पढ़ते रहो लास्ट तक पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से टिल देन कीप लर्निंग कीप रॉकिंग थैंक यू सो मच